जय हिंद सर। सर आज आप नहीं लेट दिया क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जय हिंद। गुड इवनिंग सर। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, इसको थोड़ा करते हैं फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग सर। एक मिनट। गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। गुड इवनिंग जय हिंद। जय हिंद सर। सब ऑडिबल विजिबल ऑल गुड? अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया गाइस। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलो सब जुड़ गए हैं। दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर कर दो, जो यहाँ पे जिनको लिंक नहीं मिला उनके साथ भी शेयर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों के साथ। और जो भी YouTube में लाइव है उनके कमेंट्स में यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सो गाइस नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। माय नेम इज प्रतीक एंड आई वेलकम यू ऑल टू SSP क्रैक एग्जाम्स, इंडियाज नंबर वन डिफेंस प्रिपरेशन चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही सीरियसली कर रहे होंगे। तो गाइस जैसे आपको पता है अभी हमारा CDS और NDA के रिगार्डिंग हमारा जो आपको पता 2023 अब आ गया है, बहुत ही क्रूशियल हमारा ये वाला ईयर होने वाला है। और इस एग्जाम में हमारा GK क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है, और खासकर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी हमारा यहाँ पे कितना ज्यादा, आप कह सकते हो कितना ज्यादा हमें वेटेज देखने को मिलता है यहाँ पे रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चंस में। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी का यहाँ पे हम क्या करने वाले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर है जिसका नाम आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखोगे आपका यहाँ पे जो नेशनल पार्क आपके हो गए, आपके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी हो गई है, तो कई सारे जो आपके रिलेटेड टॉपिक्स है इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे हर चीज को यहाँ पे बहुत ही डेलिबरेट फॉर्म में यहाँ पे क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। चलो हाँ चलो बहुत बढ़िया जोड़ते जाओ यार, ठीक है। चलो आज मैं लेट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे लोग भी लेट आते जाएंगे, ऐसा है क्या? और भी लेट सर, हम 5:25 तक ट्राई कर रहे हैं सर। अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई बात नहीं। चलो तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, आज हमारा 3 फरवरी का आज का हमारा दिन है और आज हमें यहाँ पे क्या क्या हमें क्लासेस देखने को मिली है, क्या शेड्यूल आज का है, आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सुबह 9 बजे आपको आज आपको पता है आपको यहाँ पे डिफेंस अपडेट का आपको क्लास देखने को मिला, दिव्यांशु सर ने इसको अच्छे से कवर किया होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे पैरेलली आपको यहाँ पे SSB इंटरव्यू का आपको यहाँ पे लाइव क्लास आपको देखने को मिला। शाम को 4 बजे आपको NDA में आपको इंग्लिश का क्लास आपको देखने को मिला और उसी टाइम आपको CDS में आपको यहाँ पे मैथ्स का क्लास आपको देखने को मिला। आई होप आपको अच्छे से सारी जानकारी होगी होगी। अब आपके यहाँ पे बज गए 5:30, अब आइए शुरू करते हैं GK का यहाँ पे क्लास को, यहाँ पे क्या करते हैं आरंभ यहाँ पे करते हैं। अब बात करते हैं आज जो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा क्या है दोस्तों, आज हम बात करेंगे खासकर बायो ज्योग्राफी का, पूरा यहाँ पे कंटेंट्स को देखेंगे, आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे, इकोसिस्टम को थोड़ा समझेंगे, जो हमारा जो कंसेप्चुअल जो बेसिस हमारा है उसको डिटेल में यहाँ पे एनालाइज पूरा यहाँ पे करेंगे। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे जो कंजर्वेशन के रिगार्डिंग फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क हमारे हो गए, हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे हो गए दोस्तों, हमारा बायोस्फीयर हमारे हो गए, तो इनका क्या कंजर्वेशन मेथड्स आपका है, ठीक है। सरकार आपका यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे क्या आपका यहाँ पे कदम आपका उठाती है, और कई सारे आपको यहाँ पे समिट्स देखने को मिलते हैं आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, उन सारी चीजों को क्या करेंगे यहाँ पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट धीरे धीरे देखो धीरे धीरे करके क्या करेंगे थोड़ा कंसेप्ट से बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बिल्कुल अगर एडवांस में अगर चले जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो आपका टॉपिक है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी का आपको जो टॉपिक है ये आपको यहाँ पे किस्म से आपको हेडेक भी आपको दे सकता है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बेसिक टर्म्स अगर आपको नहीं पता, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हर चीज को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पे बायोस्फीयर किसको आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात तो चलो आगे जाके करेंगे, बट बायोस्फीयर आपका यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए, बायोस्फीयर आपका खासकर मैं पृथ्वी की बात करूं, ये आपका एक ऐसा आपका लेयर है जहां पे आपका लाइफ आपका एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहां पे आपका लाइफ आपका एग्जिस्ट करती है। लाइफ आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पे प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जितने भी आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
जो आपके एक पर्टिकुलर लेयर में रह रहे, ऑब्वियस की बात है हमारे सरफेस में रह रहे, ठीक है, उस सरफेस को आपका यहाँ पे बायोस्फीयर आपका बोला जाता है, उस लेयर को आपका बायोस्फीयर आपका यहाँ पे बोला जाता है। और नॉर्मली अगर देखोगे फ्रॉम द सी लेवल, अगर हम यहाँ पे बात करें 10 किलोमीटर अब अगर आप देखोगे सी लेवल के, तो आपको बायोस्फीयर का आपको पूरा लेयर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आपका टर्म है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा, बायोस्फीयर में अगर आपका यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन कौन से आपका यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिथोस्फीयर देखने को मिलता है, हाइड्रोस्फीयर देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे लिथोस्फीयर, आपका लिथोस्फीयर मैंने आपको बताया था क्या आपका होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे क्रस्ट और आपका जो अपर मेंटल होता है, ठीक है, ये आपका मिला के आपका लिथोस्फीयर आपका बनता है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे ओशनोग्राफी की आपकी बात की जा रही है, ठीक है, प्लस आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों मिला के जहां पे आपका लिविंग, आपका यहाँ पे एक्टिविटीज देखने को मिलती है, ये पूरे आपके स्फीयर को बायोस्फीयर आपका यहाँ पे बोला जाता है। बहुत ही सिंपल आपका ये टर्म है। एक नया टर्म इससे रिलेटेड आता है, बड़ा कंफ्यूजन भी इसमें आपका होता है, क्या है दोस्तों, ये है आपका इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया दोस्तों, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, वो आपका फॉरेस्ट हो सकता है दोस्तों, वो आपका दोस्तों वेटलैंड आपका हो सकता है, वो आपके कोस्टल एरिया हो सकता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इवन आपके बगल का आपका यहाँ पे कोई लेक भी आपका हो सकता है। तो एक कोई भी आपका पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपके जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक हेल्दी बैलेंस आपको यहाँ पे दोनों के बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच में अगर देखा जाए तो ये इसको इकोसिस्टम आपका बोला जाता है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा मरीन का इकोसिस्टम आपका होता है, आपने कभी सुना होगा आपका फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है, आपका वेटलैंड का इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट का अलग इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपके लिविंग और आपके जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट ये होते हैं और हेल्दी लाइफ अपना यहाँ पे पूरा यहाँ पे चलाते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। बायोस्फीयर तो आपका लेयर है जहां पे आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और आपके साथ ही साथ आपके यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है जहां पे एक किस्म से लिविंग बॉडीज का, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है और बड़ा सोचो यहाँ पे, ठीक है, इकोसिस्टम है आपका यहाँ पे जहां पे लिविंग और आपका यहाँ पे जो नॉन लिविंग आपके, जिसको अपन बायोटिक और अपन यहाँ पे एबायोटिक बोलते हैं, इनका इंटरेक्शन आपका यहाँ पे होता है पर्टिकुलर एरिया में, तो इसको इकोसिस्टम आपका बोला जाता है। अब इकोसिस्टम के कई आपके टाइप होते हैं दोस्तों, ये आपको अभी हमें देखो दोस्तों, हमें पता है हमारा जो पृथ्वी है इसमें आपको लैंड सर्फेस भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको वाटर बॉडी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा इकोसिस्टम जो आपका एक्वेटिक लेवल में आपको देखने को मिलता है वो उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम बोला जाता है, और दूसरा आपको ऐसा आपको यहाँ पे इकोसिस्टम जो लैंड सरफेस में देखने को मिलता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका होता है दोस्तों, ठीक है। अब एक्वेटिक में कौन-कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे आपका फ्रेश वाटर में आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है, मतलब किसी फ्रेश वाटर में आपको अलग अलग अभी आपको यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, नॉन लिविंग आपको एबायोटिक आपको देखने को मिलते हैं, टोटली अलग इकोसिस्टम है आपका यहाँ पे एस्टुरी का आपका यहाँ पे हो गया, आपका यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम हो गया, तो ये पूरा एक्वाटिक वाला आपका सिस्टम है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होगा दोस्तों, लैंड सर्फेस की आपकी बात हो रही है जहां पे आपका ट्रॉपिकल आपका रेन फॉरेस्ट आपका हो गया, आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको अलग अलग आपको यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको अलग आपको यहाँ पे एबायोटिक आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको फ्लोरा आपको फोना देखने को मिलेगा विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका हो गया, या फिर यहाँ पे अगर मैं डेजर्ट की बात करूं, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग है, ट्रॉपिकल का बिल्कुल अलग है, डेजर्ट में अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल में अलग देखने को मिलेंगे, अलग दोनों में वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। इसी से पता चलता है कि कोई भी आपके जो डिफरेंट इकोसिस्टम आपके होते हैं ये आपके किस्म से इनमें यहाँ पे सिमिलैरिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी यूनिफॉर्म लेवल पे। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई डेजर्ट का आपका जो एनिमल है, ठीक है, जैसे मान लो कोई कैमल आपका है, ठीक है, तो कैमल को आप एक किस्म से आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में उसको यहाँ पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी इसका यहाँ पे हैबिटेंट नहीं है, इसको यहाँ पे एक सुटेबल कंडीशन उसके लिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे हो सकती है, वो मर आपका यहाँ पे सकता है, ठीक है। इससे एक चीज यहाँ पे समझे है कि डिफरेंट इकोसिस्टम का डिफरेंट अपना अपना वेजिटेशन होता है और अपना यहाँ पे डिफरेंट फ्लोरा फोना आपका होता है, आप इनको डिफरेंट लोग को यहाँ पे इंटरचेंज यहाँ पे
पे, यहाँ पे आप एक्सचेंज यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम यहाँ पे आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है, ये आपको बताना मैं पसंद करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे कम्युनिटी हैबिटेट आपका, इसको आराम से समझेंगे कम्युनिटी क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है आपका, इको सिस्टम के बारे मैंने आपको पूरा अच्छे से आपको बताया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट आपके एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये इको सिस्टम आपका यहाँ पे होता है। चलो दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ते, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों क्या है, वेट लैंड, ठीक है। अब वेटलैंड की बात करते हैं, वेटलैंड आपके ये ऐसे आपके लैंड होते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्फेस में देखने को मिलेगा, ये ऐसे आपके लैंड है जो आपके या तो जियोलॉजिकली या तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इनमें अपने आप एक ऐसा जरिया आता है कि ये नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर यहाँ पे क्या अपने यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ये आपके ऐसे आपके लैंड होते हैं ये नेचुरली पानी सप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर को दोस्तों, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर में देख सकते हो ये जो आपका जो जमीन है ये आपका पानी में आपको फ्लोट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये जमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है, क्यों? क्योंकि ये आपका जो वेटलैंड दोस्तों होता है ना, ये भी अपना एक अलग से अपना इको सिस्टम क्रिएट करता है। पूरा यहाँ पे आपको अलग आपको फोना आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जो इन वेटलैंड पे पूरे डिपेंडेंट है। बट इसकी खासियत यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये एक किस्म से नेचुरल सप्लाई पानी का करता है। इसकी कई रीजन इसके हो सकते हैं, या तो ये टाइडल फ्लोस की वजह से करता है, फ्लडिंग रिवर्स की वजह से आपका करता है, या फिर आपका रिवर से जुड़ा हुआ रहता है तो इसके बाद अब्सॉर्प्शन का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है आपके वेटलैंड्स के बाद, तो ये आपका नेचुरल सप्लाई आपका पानी का कर लेता है, ग्राउंड वाटर से कनेक्टेड रहता है, तो कई इसके कारण हो सकते हैं कि पानी आपका यहाँ पे सिक्रेट कैसे कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा कि वेटलैंड्स अकेले में ही ये आपका पूरे अर्थ के सरफेस का 6% आपका यहाँ पे वेटलैंड आपका होल्ड करता है। मतलब जितना हमारा पृथ्वी है दोस्तों, सरफेस की बात हो रही है, पानी को अलग करो, सरफेस की आपकी बात हो रही है पृथ्वी की, ठीक है। तो जितना आपका अर्थ का सरफेस है उसका सिर्फ 6% तो सिर्फ आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये आपका वेटलैंड ही आपका यहाँ पे कवर करता है। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ते दोस्तों, अब बात करते हैं कि कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है। क्या कोई मुझे बताना पसंद करेगा दोस्तों कि कम्युनिटी आपका यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी की आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपका कोई समुदाय की आपकी बात नहीं हो रही है, आपके यहाँ पीपल में, हाँ बताओ सर, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड बेनिफिशियरी इंटरेक्शन। वाह बेटा, जो लिखा है वही पढ़ के बता दिया और यहाँ पे बता दिया कि मैंने बोल दिया, खुद का आंसर दो, थोड़ा समझ के दो आंसर। अनिवन मुझे बताओ, अच्छा तो आंसर दो सर, किसी भी इकोसिस्टम में रहने वाले जो मतलब प्लांट्स और फ्लोरा फौना है उनको मिला के कम्युनिटी बोलेंगे ना। देखो इकोसिस्टम में और कम्युनिटी में फर्क क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजन आपका होता है। देखो कम्युनिटी आपका यहाँ पे क्या होता है, ये एक आपका एक ऐसा आपका ग्रुप है, ठीक है। कम्युनिटी तभी बोला जाएगा आपको यहाँ पे इकोसिस्टम में, जब आपका एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपको डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन म्यूचुअल टॉलरेंस और फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियरी। मतलब कहने का यह मतलब है यहाँ पे प्राइम फोकस आपका यहाँ पे जो आपके लिविंग स्पीशीज है उनका क्या जा रहा है। इकोसिस्टम में क्या था दोस्तों, इकोसिस्टम में बात की जा रही थी एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपका नॉन लिविंग और आपके लिविंग दोनों इंटरैक्ट करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, इंटर अपने डिपेंडेंट अपने हैं, ठीक है ना। वहां पे नॉन लिविंग आपका आ गया, यहाँ पे कम्युनिटी जब बोला जा रहा है ना दोस्तों, ये स्पेसिफिकली आपका लिविंग आपका यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के लिए आपका यहाँ पे यूज किया जाता है। और इसका सीधा सीधा डेफिनेशन ये है कि ये आपका कम्युनिटी एक आपका यहाँ पे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, किन का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ये अपना इंटरडिपेंडेंस में अपना यहाँ पे क्या करते, आराम से यहाँ पे रहते। आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखो, ध्यान से देखो, ये आपकी प्यारी सी मछली है, ठीक है, मान लो आपके फाइंडिंग नीमो वाली आपकी मछली है, ठीक है। अब ये मछली अगर आप देख रहे हो दोस्तों, ये मछली जो आपका है ये अभी आपको पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक से ज्यादा आपको मछली आपको देखने को मिल रही है, बट ये आपका एक किस्म से सिंगल आपको यहाँ पे स्पीशीज की मछली आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। डिफरेंट मछली तो आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको ये फिश का पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रहा है पहले इमेज में। दूसरे में क्या लिखा है, कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी इसलिए आपका यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्योंकि इस वाले सिनेरियो में आपको लिविंग आपको कई सारे आपको यहाँ पे बॉडीज देखने को मिल रहे ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आप यहाँ पे देख सकते हो मछली आपको देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पे स्टार फिश देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो आपको मरीन प्लांट आपका रहता है, ठीक है। तो ये जो लिविंग आपके जो बॉडीज है, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो,
जब ये मिलकर रहते हैं पर्टिकुलर आपके यहाँ पे पॉपुलेशन में, तब इसको यहाँ पे सिनेरियो में कम्युनिटी बोला जाएगा। हम यहाँ पे बोलेंगे कम्युनिटी है इनकी, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, आप पिक्चर को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे कम्युनिटी तो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है इकोसिस्टम में, प्लस आपका यहाँ पे वाटर भी आ गया, यहाँ पे आपके ये ग्राउंड आपके यहाँ पे देख सकते हो, आपके वाटर, आपके रॉक्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, सी बेड देखने को मिल रहा है। तो ये क्या आपका, ये सारे आपके नॉन लिविंग आपके, तो तब इसको इकोसिस्टम बोला जाएगा। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज अब यहाँ पे समझ आ गई होगी। यहाँ पे तीनों में आपका यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आई होप आपको। हाँ बोलो सर। इकोसिस्टम मतलब सर तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों मिला के। देखो बहुत सिंपल है, समझो दोस्त, इकोसिस्टम का मतलब होता है जहां पे एक ऐसा आपका एरिया जहां पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे आपके रह रहे हैं, और उसी पर्टिकुलर एरिया में आपके नॉन लिविंग आपके यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे मान लो आपका जमीन आपका हो गया, आपकी हवा आपकी हो गई, पानी आपका हो गया। आपको पता है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपके जानवर होते हैं, वो पानी पे आपके डिपेंडेंट है कि नहीं मेरे दोस्त, मुझे बताओ क्या वो हवा पे डिपेंडेंट है कि नहीं है दोस्तों, है कि नहीं? तो ये आपके डिपेंडेंट है। तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपके नॉन लिविंग और लिविंग आपके डिपेंडेंट है, उस सिनेरियो में उसको इकोसिस्टम बोला जाएगा। कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपकी बात हो रही है, जहां पे डिफरेंट स्पीशीज आपके रह रहे, बस सिंपल। यहाँ पे कोई हवा पानी की बात आपकी नहीं हो रही है। तो ये आपका माइन्यूट आपका डिफरेंस है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज आपको यहाँ पे कर सकता है। आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया है। क्या किसी को अभी भी डाउट है क्या, वो पूछ सकता है। क्या किसी को सिंगल भी डाउट है, आराम से बिंदास तरीके से पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कई टर्म्स पता चल गए, आपको वेटलैंड पता चल गया, आपको बायोस्फीयर पता चल गया, आपको इकोसिस्टम पता चल गया, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बारे में पता चल गया। अब यहां से हमारी चैप्टर की शुरुआत होगी, ठीक है। बेसिक समझ लिया, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायो शब्द से समझो, बायो का मतलब क्या होता है, हम इसको तोड़ देते हैं। बायो का मतलब होता है आपका यहाँ पे लिविंग, मान लो, ठीक है, लिविंग बोल लो, लाइफ बोल लो, जो आपको मन करे बोल लो, ठीक है। प्लस आपका डायवर्सिटी, डायवर्सिटी का मतलब होता है आपका यहाँ पे वेराइटी, यहाँ पे आपका होता है नंबर ऑफ आपका यहाँ पे आपके डिफरेंसेस आपके होते हैं, आपके बहुत सारे आपको यहाँ पे वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। क्या समझे इसे दोस्तों, क्या बोल रहे दोस्त? सर स्पेसिस भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आप बोल रहे हो स्पेसिफिक, बोल रहे हो स्पेसिफिक, आपका एक पर्टिकुलर चीज आपका होता है, ठीक है ना। बहुत ही आपका यहाँ पे एक होता है आपका होलिस्टिक अप्रोच, बड़ा पिक्चर आपका यहाँ पे होता है। और इसका उल्टा क्या होगा, स्पेसिफिक मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पे जब चीजें बोली जाती है तब स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, इंग्लिश क्लास करते हो कि नहीं करते हो, इस शब्द तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं सर, स्पेसिस, स्पेशल नहीं, स्पेसिस, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, स्पीशीज बोल रहा हूँ, मुझे स्पेशल लग रहा था, स्पेसिफिक लग रहा था, मैं कंफ्यूज हूँ, कोई बात नहीं, स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपका बायोडायवर्सिटी आपका क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि ये आपका आपके ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको पृथ्वी में अलग अलग कोने में आपको डिफरेंट जगह में देखने को मिल रहे, डिफरेंट वैरायटी के आपको देखने को मिलते हैं, तब बोला जाता कि भैया हमारे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी, ठीक है। बायो मतलब डिफरेंट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है, वैरायटी ऑफ लोकेशन, यही तो हमारी खासियत यहाँ पे दोस्तों होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी, आप इसको बोल लो, ये आपको अलग अलग लेवल के आपको और आपको यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आपको फ्लोरा हो गया, आपका फोना आपका हो गया यहाँ पे। और ये दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा, ये जो टर्म आपका जो बायोडायवर्सिटी है, ये शब्द किसने आपका कॉइन किया था, इनका नाम आपका यहाँ पे जो आपके एक किस्म से आप यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट आप यहाँ पे इनको बोल सकते हो, इनका नाम आपका ईडी विल्सन था। तो ईडी विल्सन साहब ने पहली बार इस शब्द को कॉइन किया था, बायोडायवर्सिटी। और बायोलॉजिस्ट की अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, देखो आपके हर फील्ड के लोग अपना एक पर्टिकुलर यहाँ पे आपके जो पर्टिकुलर आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो अपना यहाँ पे अपने तरीके से डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिस्ट आपके जितने भी आपके जो महान आपके रहे, उन्होंने बायोडायवर्सिटी का डेफिनेशन इस प्रकार से दिया है कि भैया टोटलिटी ऑफ जीन्स, मतलब कि हमारे यहाँ पे पृथ्वी में जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीन्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे बड़े एक तरीके से इकोसिस्टम में, उसको आपका यहाँ पे बायोडायवर्सिटी आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अब आपको दोस्तों
बायोडायवर्सिटी भी आपको विभिन्न आपको लेवल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीन प्रकार में आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलते हैं। एक आपका यहाँ पे होता है स्पीशीज डायवर्सिटी। अभी मेरे दोस्त एक पूछा स्पीशीज यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे आएंगे दोस्तों, ठीक है, डिटेल में समझेंगे। एक आपका होता है जेनेटिक डायवर्सिटी, एक आपका होता है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। दोस्तों आइए एक एक करके सबको पढ़ते हैं, आराम से आपको हर चीज समझ आएगा क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब स्पीशीज डायवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, इसका ये मतलब है हम कोई भी चलो एक कोई जानवर यहाँ पे ले लेते हैं। कौन सा जानवर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आपका यहाँ पे, चलो डॉग का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब जो डॉग आपका यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए आपको जो डॉग आपका है, ये आपका जो डॉग आपको अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप मुझे खुद बताओ दोस्त कि एक डॉग आपका यहाँ पे आपने सुना होगा, आपका यहाँ पे लैब्राडोर आपका होता है, आपका यहाँ पे आपने सुना होगा, आपने जर्मन शेफर्ड के बारे में सुना होगा, आपने हस्की के बारे में सुना होगा, आपने यहाँ पे सुना होगा आपका आपका पिटबुल आपका हो गया। ये क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका डॉग है ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, बताओ क्या देखने को मिल रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट आपको ये स्पीशीज तो डॉग ही है, उसमें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सब स्पीशीज जीन्स देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो जो आपका मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज का आपको डिफरेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है? जीन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पोलर रीजन में जाओगे आपको अलग आपको यहाँ पे डॉग्स देखने को मिलेंगे, आपको इंडिया में अलग देखने को मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंट आपको जीन्स के आपको कुत्ते देखने को मिल रहे हैं ना, इसको आपका जेनेटिक डायवर्सिटी आपका बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? जेनेटिक डायवर्सिटी आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अब स्पीशीज की बात करें, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे मान लो मध्य प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको एमपी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एमपी की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर मान लो आपका कान्हा नेशनल पार्क है। अब कान्हा नेशनल पार्क एक पर्टिकुलर आपको एरिया में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। आपको वहां पे टाइगर देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे एलिफेंट देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे डियर्स, आपको यहाँ पे सांबर, अलग अलग आपको स्पीशीज के आपको यहाँ पे कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी जगह जहां पे आपको डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, वेराइटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, तब बोला जाता है स्पीशीज डायवर्सिटी। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्पीशीज डायवर्सिटी आपका यहाँ पे बोला जाता है। आई होप आपको दोनों में आपको अच्छे से आपको डिफरेंस आ गया होगा। क्या इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइन्यूटी है बट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। द मेजरमेंट ऑफ स्पीशीज डायवर्सिटी इज इट्स रिचनेस, ठीक है। जितना आपका पर्टिकुलर एरिया में रिच मतलब आप यहाँ पे वैरायटी देखोगे, डिफरेंट आप यहाँ पे स्पीशीज देखोगे, उतना ज्यादा आपको स्पीशीज डायवर्सिटी एक आपको एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट एरिया में अगर नंबर ऑफ स्पीशीज जितने होंगे उतना वो डाइवर्स आपका है ना। मान लो जैसे आपका ये आपका पर्टिकुलर एरिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर का आपका एरिया है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। और दूसरी जगह आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर का आपका एरिया है, ठीक है, ए और बी यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और एक ए वाले सिचुएशन में अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे टाइगर देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे जिराफ देखने को मिल रहा है, हाथी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फॉक्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दूसरे बी वाले सिचुएशन में सिर्फ आपको हाथी और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? डॉग देखने को मिल रहा है। अब मुझे बताओ कि आपका यहाँ पे स्पीशीज डायवर्सिटी के हिसाब से कौन सा आपका ज्यादा आपका रिच आपको देखने को मिल रहा है, ए या बी? सिंपल सी बात है, तो ए वाले में हमें जो स्पीशीज डायवर्सिटी है हमें ज्यादा रिच फॉर्म में फ्लरिश फॉर्म में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे क्या आपका जो जेनेटिक डायवर्सिटी है, जल्दी से मुझे कोई बता दो कि जेनेटिक डायवर्सिटी आपका यहाँ पे क्या होता है? जस्ट अभी बताया था, बताओ सर। एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ब्रीड अगर एक साथ रहते हैं तो उसको जेनेटिक डायवर्सिटी बोलते हैं, जब जीन्स में चेंज होता है। क्या क्या बात है, क्या बात है, अच्छे से आप समझ गए हो। मतलब यहाँ पे अगर आपके एक पर्टिकुलर एरिया में या अगर मैं होलिस्टिक अगर अप्रोच से यहाँ पे बोलूं, अगर एक ही स्पीशीज के आपको डिफरेंट जीन्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक आपको डॉग आपका एज अ स्पीशी अगर ले तो उसमें आपको व्हाइट हस्की देखने को मिल रहा है, पिटबुल, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और भी जो आपके जो पिल्लू विल्लू आपके जो रहते हैं डॉगी रहता है आपके, ये डिफरेंट आपके नस्ल के इसको नस्ल बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको अगर जेनेटिक डायवर्सिटी देखने को मिलती है ना, ये आपका यहां पे किस्म से अच्छा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब आप यहाँ पे आपने कभी इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम आपने कभी सुना होगा, ठीक है ना। इनब्रीडिंग के प्रॉब्लम से आपका यहाँ पे क्या होता दोस्तों, आपके इसमें एक मूवी भी आपकी आई थी रिसेंटली, आपकी कर्नाटक की मूवी थी, आई गेस आई थिंक चार्ली करके कोई मूवी थी, वो इनब्रीडिंग को उसने यहाँ पे उजागर भी किया था, ठीक है। तो 40777 आई गेस हुई थी, ठीक है ना। अब वहां पे इनब्रीडिंग की आपकी बात की जाती है, होता क्या दोस्तों, आपका जब जेनेटिक आपका जो म्यूटेशन होता है ना, तो आपके जो जीन्स आपके होते हैं दोस्तों
उनको हमेशा न्यू जीन्स का यहाँ पे किस्म से ब्रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है, तभी हेल्दी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपकी जो ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, कैंसरस ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, म्यूटेशन प्रॉब्लम आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। तो जो इन ब्रीडिंग वाला प्रॉब्लम होता है ना, इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक आपका सिचुएशन बनता है। और ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना अच्छा आपकी यहाँ पे बात आपकी होती है, ठीक है, ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या समझे, ये जेनेटिक लेवल पे आपका यहाँ पे किया जाता है, ये सब स्पीशीज लेवल में किया जाता है दोस्तों। और ये आपको बताना पसंद करूंगा कि ये एक किस्म से जो आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी है दोस्तों, ये पॉपुलेशन ग्रोथ में अच्छा आपका यहाँ पे काम करता है, इसको बढ़ावा आपका यहाँ पे देता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी जो आपके पर्टिकुलर आपके जो सब स्पीशीज का आपके एनिमल आपके होते हैं, ठीक है ना, अगर उनको अच्छा खासा एडाप्टेशन अगर आपको चाहिए, हैबिटेट अगर उनको अच्छा रखना है, तो ये आपका जो इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम है उससे यहाँ पे इनको यहाँ पे बचना बहुत ही जरूरी है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड हमारा, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। मैंने कम्युनिटी बताया था दोस्तों, बताओ मैंने क्या बोला दोस्तों, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था इतना बड़ा आपका चैप्टर है, इसमें अगर एक एक टर्म भी अगर आप भूल गए ना, सब सफा आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कम्युनिटी का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर आपकी प्लेस में आपका यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज आपका यहाँ पे मिलजुल के यहाँ पे रह रहे हैं, बट कौन से लिविंग की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और ये कम्युनिटी तो हमने समझ लिया है, आगे शब्द क्या लग गया, डाइवर्सिटी, बस खत्म। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, और ये आपको बहुत बड़े लेवल का है, ठीक है, आपका जेनेटिक और आपका जो स्पीशीज वाला डाइवर्सिटी है उसका अगर आप और होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे लोगे, तो इकोलॉजिकल आपका जो डाइवर्सिटी आपका होता है ये कम्युनिटी लेवल का आपका यहाँ पे होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो, जैसे आपका, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि आपका जो व्हाइट हस्की वाला आपका जो डॉग आपका होता है, जो साइबेरिया एरिया में आपका रहता है, वो एक अपने अलग कम्युनिटी में यहाँ पे रहता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे अगर मान लो उस कुत्ते को अगर हम यहाँ पे सहारा डेजर्ट में अगर ले जाएंगे, क्या वो अच्छे से रह पाएगा क्या, मुझे बताओ। नो सर, नो सर। क्या आपका जो कैमल है अगर हम उसको एंटार्क्टिका में ले जाएंगे, क्या वो रह पाएगा क्या आपका, नहीं आपका रह पाएगा, क्यों, क्योंकि वो आपका उस हैबिटेट में रहने की उसको आदत हो गई है, उसका सूटेबल कंडीशन आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो कम्युनिटी आपका जो डाइवर्सिटी क्या होता है, मतलब ये इतने बड़े पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहां पे एक अलग वेजिटेशन, अलग फ्लोरा फौना, अलग क्लाइमेटिकल सिचुएशन, टेम्परेचर, प्रेशर, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ना वो उसमें सूटेबल आपके यहाँ पे हो जाते हैं रहने के लिए, ठीक है ना। आप इनको एक जगह से दूसरी जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, आप इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो जब तक सेम क्लाइमेटिकल सिचुएशन ना देखने को मिले। आपने सुना होगा जैसे आपका, हमने नामीबिया से चीता मंगाए, मंगाए कि नहीं मंगाए हमने, ठीक है, नामीबिया आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, हम इंडिया में आते, उनको यहाँ पे क्यों मंगवाया भाई, कुछ तो आपका यहाँ पे कुछ तो कंडीशन होगा ना। भारत में और आपका अफ्रीका में जो क्लाइमेटिकल आपको सिचुएशन है अगर देखा जाए, उनको रखने के लिए वो ठीक ठाक आपका सूटेबल था हमारे कुनो नेशनल पार्क में, इसलिए वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये क्लाइमेट का फैक्टर आपका बहुत होता है, और इसी से आपका पूरा इकोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, विभिन्न डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अलग अलग आपके होते हैं, जैसे आपका ट्रॉपिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अपना एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, अलग टेम्परेचर, अलग क्लाइमेट है, टेम्परेट फॉरेस्ट का अलग है, डेजर्ट का दोस्तों अलग है, वेटलैंड्स का आपका अलग है, और जो रिवर्स में भी आपका यहाँ पे इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो ये डाइवर्सिटी आपको दोस्तों पता होना चाहिए, और ये सूटेबिलिटी हर एनिमल्स का आपका अलग अलग आपका यहाँ पे रहता ही रहता है। अब बात करते दोस्तों भारत की, यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा, यहाँ पे क्वांटिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं। तो भारत में अगर हम बात करें, हमें कई सारे विभिन्न प्रकार के स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब इंडिया आपका वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड का, उसका एक हिस्सा है, इट इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, 12 लगभग आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात करूं, पूरी दुनिया में अगर जो लैंड अगर आप भारत का देखोगे, तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया हमारे भारत का है, ठीक है। हमारा भारत यहाँ पे बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा आपका कंट्री है लैंड में अगर देखा जाए, तो लैंड सरफेस में अगर देखा जाए दोस्तों
पूरे वर्ल्ड का 2.4% आपका सिर्फ आपका भारत ही आपका यहाँ पे होल्ड आपका करता है। और यहाँ पे अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें से लगभग 8.1% आपको सिर्फ भारत में देखने को मिलते हैं। मतलब पूरे भारत में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपको डिफरेंट स्पीशीज आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती पूरी दुनिया में, उसमें सिर्फ आपका 8.1% तो सिर्फ भारत में ही देखने को मिल रहा है। तो आप समझो इंडिया को कितना डाइवर्सिफाई आपका है, सिर्फ क्लाइमेट में नहीं, वेजिटेशन में नहीं, इवन आपकी स्पीशीज में भी बहुत आपका यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग आपका बोला जाता है नंबर ऑफ एनिमल्स और आपके जो प्लांट्स आपको स्पीशीज जो भारत में देखने को मिलते हैं लगभग 90,000 से लेके 45,000, मतलब आपका यहाँ पे 90,000 आपको एनिमल स्पीशीज देखने को मिलते हैं और 45 मतलब 45,000 आपको यहाँ पे प्लांट स्पीशीज आपको भारत में देखने को मिलते हैं। कितनी अच्छी आपकी बात है। बट यहाँ पे दोस्तों एक जिम्मेदारी भी बनती है, अगर इतना भारत में डाइवर्सिटी है प्लांट्स का, फ्लोरा फौना का अगर है, तो यहाँ पे क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है, इनको बचाने की जिम्मेदारी बनती है। तो इनको कंजर्व कैसा किया जाएगा वो हम आगे जाके जरूर इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बायोम क्या होता है, शब्द बहुत सुना है, ये बायोम क्या होता है? एनीवन कोई बताना पसंद करेगा? यूट्यूब में भी अगर कोई बताना पसंद करेगा बताओ क्या होता है बायोम, क्या होता है बताओ बताओ। एक स्पेसिफिक तरीके का जहाँ पे क्लाइमेट होता है और वहाँ की एडेप्टेशन भी वैसी होती है, मतलब लोग ढल जाते हैं। बिल्कुल सही, एक ऐसा आपका पर्टिकुलर एरिया, वो जो भी आपके केसम कह सकते हो बहुत बड़े लेवल का ही, एक ऐसा आपका एरिया, बड़े लेवल का आपका एरिया जहाँ पे आपको उसका यूनिक आपको यहाँ पे क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, रेनफॉल देखने को मिल रहा है, वैसा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, वैसा वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, और वैसे ही आपको स्पीशीज भी देखने को मिलेंगे जो उस आपके माहौल में ढल गए हैं। तो ऐसे वाले सिनेरियो में क्या बोला जाता है कि ये एक आपका ट्रॉपिकल बायोम है आपका, ये आपका टेम्परेट आपका बायोम है, ये डेजर्ट वाला है, ये टुंड्रा आपका है, ये टाइगा वाला आपका बायोम है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कहना ये चाहता है ये एक मेजर लेवल का आपका आपका इकोलॉजिकल कम्युनिटी है आपके यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, जहां पे आपको फ्लोरा फोना आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक सिचुएशन देखने को मिलते हैं, और ये बहुत बड़े एरिया में आपको देखने को मिलता है अर्थ सरफेस में। ठीक है, जो आपके एनिमल्स यहाँ पे ढल जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कई प्रकार के आपको यहाँ पे हमारे पृथ्वी में बायोम्स देखने को मिलते हैं। कौन सा आपको, आपको टुंड्रा आपको बायोम देखने को मिलता है, आपको आपको यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का बायोम देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे आपको डिसिडियस फॉरेस्ट का देखने को मिलता है, मेडिटेरियन आपको देखने को मिलता है, ग्रासलैंड का अलग अपना बायोम है, अलग वहां पे ऑर्गेनिज्म आपके रहेंगे, वैसे आपको वहां पे फ्लोरा देखने को मिलेगा, आपको ट्रॉपिकल आपका थॉर्नवुड्स आपके हो गए, डेजर्ट एरिया कैमल्स देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको डेजर्टिन आपको फॉक्स देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंट आपको सिनेरियो आपको अलग अलग बायोम्स में आपको देखने को मिलता है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखना ये बायोम का मतलब बहुत ही सिंपल आपका होता है कि एक आपके पर्टिकुलर एरिया में जैसा क्लाइमेट है टेम्परेचर है वैसे एनिमल्स आपके ढल गए उस आपके पर्टिकुलर एरिया में, और आप इनको क्या ट्रॉपिकल बायोम में जो आपके एनिमल्स या फ्लोरा फोना मान लो जो आपके रह रहे हैं आप उनको डिटैच करके क्या आप उसको टेम्परेट वाले बायोम में डाल सकते हो क्या, मुझे जल्दी से बता दो। नो सर, नहीं डाल सकते। याद रखना हमेशा कि दो बायोम्स के आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फ्लोरा फोना आपके होते हैं आप इनको यहाँ पे बिल्कुल भी आप इनको यहाँ पे किस्म से कंबाइन नहीं कर सकते हो, आप इनको इंटरचेंज यहाँ पे बायोम्स को नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में आ जाते हैं। ठीक है, अब भारत में आपको कई सारे आपको बायोजियोग्राफिक जोन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैटेगराइजेशन इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ट्रांस हिमालय जहाँ पे आपको लद्दाख देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का आपको लाहौल और स्पीति वैली देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अलग आपको यहाँ पे जोन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको अलग आपको यहाँ पे देखो वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, एल्पाइन हो गया आपका यहाँ पे, आपको अलग अलग आपको यहाँ पे एल्पाइन के आपको पेड़ पता है ना बड़े खूबसूरत आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है। आपको वेस्ट हिमालय की बात करो जो आपका इसमें कौन कौन से आता है, देखो वेस्ट हिमालय में कौन कौन से आपके एरियाज आते हैं, राज्य कौन से आते हैं आपके। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका हो गया, लद्दाख को छोड़ दो क्योंकि लद्दाख वाला पार्ट आपका ट्रांस हिमालय में आपका था। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश को अगर आप पे करोगे लाहौल स्पीति का बस इलाका छोड़ दो, और आपका गढ़वाल कुमाऊं का आपका रीजन हो गया आपका उत्तर प्रदेश का, ये वेस्ट हिमालय में आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, ईस्ट हिमालय में कौन सा आपका आता है दोस्तों, ईस्ट हिमालय में आपका सिक्किम आपका आता है,
सिक्किम ही आपका एक आपका इकलौता और आपका ना इकलौता बट पहला आपका राज्य था जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की आपके यहाँ पे शुरुआत आपकी यहाँ पे की थी, ठीक है ना। दार्जिलिंग आपका हो गया, अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, ठीक है। तो ये ईस्ट हिमालयन स्टेट्स है जहां पे आपको डिफरेंट आपको बायोजियोग्राफिक आपको डिफरेंट जोन देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आपके थार डेजर्ट की बात करें दोस्तों तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात आपका यहाँ पे आता है, रण ऑफ कच्छ के बारे में आपने यहाँ पे सुना होगा, ठीक है। आपका सेमी एरिड जोन्स आपके पंजाब प्लेन्स के, हरियाणा प्लेन्स के हो गए। तो ये जितने भी जोन्स है दोस्तों मैं आपको बताना पसंद करूंगा, टोटल आपको 12 देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके हैं, टोटल आपको 12 देखने को मिलते हैं। पहले स्लाइड मैंने आपको यहाँ पे जैसे बता दिया, यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन आपका हो गया, दक्कन का आपको, वेस्टर्न घाट्स आपके हो गए, इंडियन कोस्टल एरियाज हो गए। हमारा देखो भारत इकलौता पूरे विश्व में, वी आर सो मच लकी कि हमारे पास माउंटेन्स भी है, हमारे पास यहाँ पे आपको कोस्टल एलाइंस भी देखने को मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दक्कन प्लेट्यू, आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स, गैग्नेटिक प्लेन देखने को मिल रहा है। भैया क्या चाहिए, एक देश में इतनी वेराइटी है, अगर इतना अगर वैरायटी आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे वेजिटेशन में, तो आपको वहां पे क्लाइमेट भी वैसे ही देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको फिर फ्लोरा फौना भी देखने को मिलेगा वो भी डाइवर्स फॉर्म में। तो यही तो खासियत है, और टोटल 12 आपको यहाँ पे बायोजियोग्राफिक जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आपके आपके स्टेट्स आते हैं मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में अच्छे से बता दिया, ठीक है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अब भैया इतनी डाइवर्सिटी है सब है फिर भी तो प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, यहाँ पे हम इंसान इतने शरीफ तो है नहीं कि हम इनकी कदर करते कदर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको 4 मेजर आपको कारण देखने को मिलेंगे जिसके वजह से आपको बायोडायवर्सिटी आपको खतरे में देखने को मिल सकती है। इवन आपको सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की आपकी यहाँ पे बात है, ठीक है। और ये 4 जो आपके रीजन है दोस्तों, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये आपका, इसको द इवन क्वार्टेट भी आपका बोला जाता है। ये सवाल बन सकता है, ये अगर बायोडायवर्सिटी का अगर आपकी सवाल बनेगा ना, पूछा जाएगा कि भैया द इविल क्वार्टेट किसको बोला जाता है इनमें से, ठीक है, और आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 आपके रीजन है जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे बायोडायवर्सिटी खतरे में आपका रहता है। कौन कौन सा है, पहला है आपका दोस्तों हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब आपका देखो हैबिटेट का मतलब क्या है, कोई भी आपका जो जीव जंतु है उसको अगर कोई माहौल सूट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हैबिटेट नहीं है वो। कैमल के लिए टेम्परेट वाला जो रीजन है वो सूटेबल नहीं है, आपका व्हाइट हस्की जो डॉग है जो साइबेरिया में रहता है उसके लिए सहारा वाला आपका हैबिटेट उसके लिए नहीं है वो। तो अगर आपका हैबिटेट अगर किसी का लॉस हो गया है, फ्रेगमेंटेशन उसमें आ गया है, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, आपको पता ह्यूमन तो बड़ा शाना आपका होता है, कुछ ना कुछ तो हरकतें करता ही करता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे बायोडायवर्सिटी में आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। इवन आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप किसी भी चीज का यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का अगर आप शोषण करते हो तो भी आपका प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे एक्सोटिक स्पीशीज या एलियन स्पीशीज ला रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल भी उस आपके हैबिटेट में सूट आपका नहीं कर रहा है, जो आपको अलग आपके आसपास के ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो भी आपके किस्म से बायोडाइवर्सिटी खराब कर रहा है। को एक्सटिंक्शन, भैया अगर आपका एक्सटिंक्शन का मामला, आपको दोस्तों पता है कि आयोसिन हमेशा आपका लिस्ट आपका निकालता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनका प्रोटेक्शन करना है हमें, बट कोई इसको ध्यान ज्यादा नहीं देता है, ठीक है। हमारी सरकारें होती, अगर आपको पता होगा कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब आया, मुझे जल्दी से बताओ कब आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कब आया 1972 में, इतने लेट आया, इतने देर बाद आया हमारा, ठीक है, जब सब पूरा खत्म हो गया था उसके बाद आया, ठीक है, क्योंकि इंसान ऐसा ही है, ठीक है, जब पढ़ती है तभी उठता है फिर काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, ओवर एक्सप्लोटेशन आपका हो गया है, आपका जो हैबिटेट लॉस आपका हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो ये सारे आपके या क्या है दोस्तों, ये 4 आपके फैक्टर्स है आपके बायोडाइवर्सिटी को आपका लॉस करता है, और इन्हीं को आपका द इविल क्वार्टेट भी आपका यहाँ पे दोस्तों बोला जाता है। सवाल आपका पूछा जा सकता है, फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो भैया हम यहाँ पे बर्बादी भी करते हैं क्या, पर हम इनको बचाते नहीं है क्या, बिल्कुल यहाँ पे बचाते हैं हम लोग, कई आपकी संस्थाएं आपकी करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, सरकार आपकी करती है, आइए इसी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने शब्द बहुत सुना होगा इन सीतू और आपका एक्स सीतू, क्या सुना है किसने इसको, बताओ, सुना ही होगा आपने इन सीतू और एक्स सीतू आपने सुना होगा, आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका जब भी आप किसी भी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हो, ठीक है, जब हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी की दोस्तों हम जब बात करते हैं ना दोस्तों, तो इसको यहाँ पे
दो प्रकार में इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया, ठीक है। कौन से दो प्रकार है दोस्तों? एक है आपका दोस्तों इन सीतु और एक है आपका एक्स सीतु। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी भाषा बोल रहे हो, तो दोस्त मैं यहाँ पे लैटिन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? आपका सर लैटिन भी जानता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है दोस्तों, इन सीतु का मतलब होता है ऑन साइट इंग्लिश में, और एक्स सीतु का मतलब जो आपका एक लैटिन वर्ड है ये आपका होता है ऑफ साइट। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, आपको पता होगा हमारे भारत में आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। मैं बोल रहा हूं कि ये सारे आपके इन सीतू है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपका जो फ्लोरा फोना है इनके प्रोटेक्शन के लिए अगर देखा जाए दोस्तों, ये अपना प्रोटेक्शन अगर देखा जाए ये नेचुरली यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके जो कुदरत है वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनको कंजर्व करता है, इनका प्रोटेक्शन करता है, इनको पूरा यहाँ पे अच्छा हैबिटेट देता है, खाना पीना इनको यहाँ पे देता है। आप कोई भी नेशनल पार्क की बात करो, ठीक है, कुदरत ने इनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंजर्व करके यहाँ पे अच्छे से रखा हुआ है। हमें यहाँ पे ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह जो नेचुरली जहां पे कंजर्वेशन आपका हो रहा है, ह्यूमंस की जरूरत नहीं है वहां पे, कुदरत पूरा यहाँ पे इनका ध्यान रख रही है, ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगहों को दोस्तों इन सीतू बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इन सीतू कंजर्वेशन बोला जाता है, जो नेचुरली आपका यहाँ पे कुदरत इनका यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन करती है। एक्स सीतू क्या होगा दोस्तों? उल्टा होगा इसका। एक्स सीतू का मतलब ये है कि मतलब ऐसे आपका ये ऐसा वो कंजर्वेशन का आपका टेक्निक है जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब ह्यूमन यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ सर्टेन स्पीशीज को, चाहे आपका प्लांट हो, चाहे आपका फ्लोरा है, फोना, कोई भी आप यहाँ पे लो, उनको क्या कर रहा है, उनके नेचुरल एरिया से निकाल के जू में रख रहा है, बोटानिकल गार्डन्स में रख रहा है, एक पर्टिकुलर किसी एरिया में रख रहा है, उनका देखभाल कर रहा है उनके कंजर्वेशन के लिए, जहां पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, ठीक है। ऐसे वाले कंजर्वेशन प्रैक्टिस को एक्स सीतू बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्स सीतू बोला जाता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया क्या? आपको कोई डाउट है क्या इसमें दोस्तों? अनिवार्य कोई डाउट? रिपीट कर दो सर, एक बार और कर दो। फिर बता रहा हूं आपका यहाँ पे इन सीतु कंजर्वेशन होता क्या है, ठीक है। इन सीतु कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, एक ऐसा आपका पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो आपका नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे इन एरियाज में आपको क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपके जानवर रह रहे हैं, पेड़ पक्षी सब आपके रह रहे हैं, और ये एरिया आपका नेचुरली कुदरत यहाँ पे क्या करिए, नेचुरल फैक्टर से इनको यहाँ पे इन सारे जानवरों को, पक्षियों को, आपके पेड़ों को यहाँ पे कंजर्व कर रही है, इनको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे ह्यूमंस का कोई खास इंटरफेरेंस आपका नहीं होता है, नेचुरली इन एरिया में क्या हो रहा है दोस्तों, इनका कंजर्वेशन हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है। ऐसे एरिया को या फिर ऐसे प्रैक्टिस को इन सीतु कंजर्वेशन बोला जाता है, जहां पे ह्यूमन कोई छेड़खानी नहीं करता है, कुदरत इनका ध्यान अपने आप रख लेता है, ठीक है। एक्स सीतु क्या होता है? एक्स सीतु में आपका एक ऐसा कंजर्वेशन आपका तरीका है, जहां पे क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका जो ह्यूमन है, यहाँ पे ह्यूमन आपका आ गया, वहां पे नेचुरल पूरा चीज हो रहा था कंजर्वेशन जानवरों का, पक्षियों का, आपका पेड़ों का। एक्स सीतु आपका ऐसा कंजर्वेशन है जहां पे ह्यूमन क्या कर रहा है दोस्तों, ह्यूमन यहाँ पे जानवरों को इन जंगलों से निकाल के, उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के इनको जू में रख रहा है, इनको बोटानिकल गार्डन्स में, अगर आपका प्लांट है तो उनको गार्डन्स में रख रहा है, उनको नर्सरी में रख रहा है, उनपे स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है अपने तरीके से। तो जहां पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां पे ह्यूमन कंजर्व कर रहा है फ्लोरा फोना को, तो उसको एक्स सीतु बोला जाता है। और जहां पे आपका नेचुरल फैक्टर, नेचुरली आपके जानवरों को या फिर आपके यहाँ पे वेजिटेशन को प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उसका आपका यहाँ पे इन सीतु बोला जाता है। हाँ नरसिम्हा सर, टेरेस्ट्रियल बायोरिज्म मतलब क्या सर? क्या टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर रिजर्व मींस व्हाट? टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर आपका मतलब होता है दोस्तों, दोस्त मेरे, कि टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे लैंड की बात हो रही है, टेरेस्ट्रियल मतलब आपकी लैंड की बात हो रही है। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको अलग, आपको यहाँ पे आपको अलग, आपको वेजिटेशन आपको यहाँ पे अलग, आपको फ्लोरा फोना आपको देखने को मिलेगा लैंड में, ठीक है। अब इसी का उल्टा आपका एक्वेटिक आपका हो गया। दो प्रकार के आपके इकोसिस्टम होते हैं, एक आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड की बात हो रही है, एक्वेटिक मतलब आपका ओशन वाटर बॉडी की बात हो रही है, और इन दोनों में आपके अलग आपको ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं, फ्लोरा फोना देखने को मिलते हैं। And also, recently I've seen some laws, amendments were made regarding not harming animals, like stricter actions should be taken. And we will discuss about all these acts and amendments.
all these convention we will discuss. So why we are putting animals forcefully in zoos instead we can conserve them in the sanctuaries, right? वो भी उसमें pressure होते हैं ना सर. बिल्कुल बिल्कुल. देखो होता क्या है, आपका जैसे नेशनल पार्क आपके होते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके होते हैं, इवन आपके जो बायस पर आपकी, चलो आपके यहाँ पे अफोना की बात करो, ठीक है, जूस में इनको क्यों रख रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ आपका यहाँ पे इकोनॉमिकल, आपका यहाँ पे अपलिफ्टमेंट की आपकी बात हो रही है, लोग देखने आते हैं यहाँ पे, किस्म से टूरिज्म का आपका बढ़ावा होता है. आपको पता होगा पूरी दुनिया में जितने भी आपके जूस होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना पसंद करूंगा, आपके यहाँ पे हजारों में लोग आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, इकोनॉमी आपका यहाँ पे देश का आपका बढ़ता है, ये एक आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है नंबर वन, तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है. दूसरा यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, ठीक है, आपके जो एनिमल्स आपके यहाँ पे रखे जाते हैं, आपके जो भी आपके जो एक्सपर्ट्स आपके होते हैं उन पे रिसर्च करते हैं, यहाँ पे आपका जेनेटिक आपका पूरा स्टडी आपका किया जाता है, इनका कई आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक स्टडी होती है, पूरा रिसर्च होता है, यहाँ पे आपका इकोनॉमी आपका जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे रखा जाता है, और यहाँ पे किस्म से नेशनल पार्क को अलग रखा जाता है, जूस को अलग रखा जाता है, गार्डन्स को अलग रखा जाता है, क्योंकि कई इसमें फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. अब मुझे बताओ इन सीटो एक्सीटो में कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? एनीवन? नो सर. ठीक है, अब इन सीटो की यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इन सीटो जो आपको कंजर्वेशन है इसमें हमको क्या क्या आपको देखने को मिलता है? इसमें आपको दोस्तों नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आपको इन सीटो कंजर्वेशन का पार्ट देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे लेक्स, फॉरेस्ट, मरीन, टेरिस्ट्रियल, ये सारे आपको जहां पे नेचुरली कुदरत आपका यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को आपका यहाँ पे पूरा जिम्मेदारी रखता है, इनको पूरा प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है, ये इन सीटो के आपके अंदर आते हैं. एक्सीटो आपका जहाँ पे आपको जूस देखने को मिलते हैं, बोटानिकल गार्डन्स आपके हो गए, आपके कई सारे आपको एक्वेरियम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, आपके सीड बैंक हो गए, जीन बैंक हो गए, आपके मेडिकल आपके जो होते हैं दोस्तों, जो आपके रिसर्चर्स होते हैं वो आपके जेनेटिक आपके स्टडी इनका करते हैं, तो ये आपका जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां पे ह्यूमन इनको यहां पे कंजर्व करके रख रहा है अपने दम पे, इसको एक्सीटो आपका यहां पे बोला जाता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा, थ्योरेटिकली समझ में आया होगा. हां, सीड बैंक क्या होता है? सीड बैंक आपके सीड्स होते हैं ना दोस्त, आपके डिफरेंट आपको सीड्स देखने, क्रॉप सीड्स आपको देखने को मिलते हैं, आपको उसका जर्मिनेशन आपका होता है, कई आपके प्रोसेस में सीड्स आपके जो बीज होते हैं, ठीक है, उनका भी स्टडी होता है, उनका भी स्टडी होता है, क्योंकि आपके क्रॉप्स आपको पता ना, आपका यहाँ पे बायोलॉजिकली अगर देखा जाए आपका एग्रीकल्चर फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट आपका हो गया, आपका हाई यील्ड वैरायटी आपका जो आपने अगर सीड के बारे में सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका हुआ, तो आप समझ रहे हो सीड का कितना इंपॉर्टेंस आपका होता है, और इनका भी अपना बैंक होता है, ऑब्वियस की बात है. तो इन सीटो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया कि इसमें कोई देखो कोई यहाँ पे हमें देखने को है, ठीक है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सच कंजर्वेशन दोस्तों एंडेंजर्ड स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, क्या बोला मैंने दोस्तों कि जहां पे जो आपकी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो आपका एक्सटिंक्ट होने के कगार में हो सकते हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे नेचुरली कुदरत इनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, हमें यहाँ पे ह्यूमन का ज्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, इकोसिस्टम आपका बना के यहाँ पे रखता है, ठीक है. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया. एक्सीटू की बात करते हैं, ठीक है. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है. क्या कोई मुझे बता सकता है हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट ये मतलब वो समझना कि आपका ये मोबाइल वाला है, ठीक है, बताओ. हाँ, उनका रंजन सर, वो बैक वाला सर, एक बार फिर से रिपीट करिएगा ना. क्या वाला? बैक वाला सर, इसके बैक वाला, ये वाला सर. इन सीटू? यस सर. इन सीटू का फिर बता रहा हूँ, कंजर्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है ना. तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा आपका कंजर्वेशन का आपका टेक्निक है जहां पे आपके जंगलों में, आपके फॉरेस्ट में, या आपके मान लो आपके नेशनल पार्क्स में, जहां पे आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज भी आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस की बात है, कई आपके स्पीशीज आपके एंडेंजर्ड आपके यहाँ पे एक्सटेंड के तरीकों में आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे सिचुएशन में इनका प्रोटेक्शन जरूरी होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेचुरली नेचुरल फैक्टर से भी इनका प्रोटेक्शन हो जाता है, कुदरत यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी उठा लेती है, ह्यूमंस को आपका यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है यार, जहां पे कुदरत यहाँ पे इनका ध्यान रख लेती है सारे स्पीशीज का, एंडेंजर्ड स्पीशीज का, ठीक है. इस कंजर्वेशन प्रैक्टिस को इन सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है, सिंपल सी बात है. और जहां पे ह्यूमन इनका जब कंजर्वेशन करते हैं, वो एक सीटू आपका बन जाता है, सिंपल सी आपकी बात है. एक चीज को कितने बार बेटा सुनोगे आप, ठीक है, वापस सुन लेना, अगर यहाँ पे फिर दिक्कत आ रही है रिकॉर्ड हो जाएगा तब वापस से सुन लेना, ठीक है. हाँ बताओ, हॉटस्पॉट क्या होता है? एनीवन? सर, वह एरिया जो डेंजर्ड होने के कगार पे, जहां पे एंडेंजर्ड स्पीशीज निवास करती है, वो एरिया हॉटस्पॉट में आता है.
देखो हॉटस्पॉट का आपका मतलब होता है एक ऐसा आपका एरिया मेरे दोस्त, एक ऐसा आपका एरिया जहां पे आपको बहुत ही आपको वैरायटी ऑफ आपको डायवर्सिटी, आपको बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, बहुत ही यूनिक आपको डायवर्सिटी देखने को मिलती है एक आपको ऐसे एरिया में जहां पे आपको बहुत ही यूनिक, बहुत ही वैरायटी ऑफ आपको यहाँ पे डायवर्सिटी स्पीशीज की देखने को मिलती है, फ्लोरा फौना की देखने को मिलती है, बट वो आपका थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी रहती है जो आपका डिस्ट्रक्ट भी हो सकती है। तो आप बात समझ रहे हो, ऐसे एरिया जो अपने में यूनिक भी है प्लस वो आपका थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी है, ऐसे वाले आपके एरियाज को हॉटस्पॉट बोला जाता है। और ये जो टर्म है आपका दोस्तों, ये टर्म आपका नॉर्मन मायर्स ने आपका 1988 में इसको यहां पे रखा था, ठीक है। भारत में आपको दोस्तों आपको चार आपको देखने को मिलता है, आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट ऑल ऑफ यहाँ पे अगर पूरी दुनिया की बात करें, दुनिया में टोटल 35 आपको हॉटस्पॉट अभी प्रेजेंट में देखने को मिलते हैं, और ये लगभग आपका पूरे अर्थ के लैंड सरफेस का ये सिर्फ आपका हॉटस्पॉट 2.3% आपका यहाँ पे होल्ड करते, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना पसंद करूंगा कि आपके जितने भी आपके, चाहे आपके वर्टेब्रा की बात करो, आपके आपको पता कई आपको टेरिस्टल आपको वर्टेब्रास आपको देखने को मिलते हैं, अलग आपको यहाँ पे स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, वर्टेब्रास की देखने को मिलती है, ठीक है। और आपके जो एंडेमिक आपके जो प्लांट्स आपके होते हैं, एंडेमिक प्लांट्स आपको पता होना चाहिए कि आपके जितने भी प्लांट्स आपके होते हैं जो आपका ज्यादा आपके यहाँ पे एक किस्म से आपका इनका इंटरचेंज यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में उनको यहाँ पे रखा जाता है, उनका एक तरीके से कंजर्वेशन किया जाता है, क्योंकि अगर हम उसको अदर किसी मान लो अगर किसी अलग हैबिटेट में अगर उनको लेके जाएंगे ना तो दिक्कत हो सकती है, वो खराब आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये लगभग आपका दुनिया का 50% आपके जो एंडेमिक प्लांट्स हो गए, आपके वर्टेब्रास आपके हो गए, ये आपको इसके आपको हॉटस्पॉट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भारत में दोस्तों, भारत में आपको 3 मेजर हॉटस्पॉट आपको देखने को मिलते हैं और एक आपको सुंडालैंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा आपका है, नंबर 1 आपका वेस्टर्न घाट, फिर आपका ईस्टर्न हिमालयस, और आपका यहाँ पे इंडो बर्मा का आपका रीजन, और आपका सुंडालैंड जो आपको निकोबार में आपको आइलैंड में देखने को मिलता है। कहां पे दोस्तों, निकोबार आइलैंड्स में आपको दोस्तों देखने को मिलता है। तो टोटल अगर कभी पूछा है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल हमें भारत में कितने हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, तो 4 हमें टोटल देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस तो आपको पता ही है, इंडो बर्मा का आपका जो रीजन है, बर्मा मतलब जो म्यांमार का जो बाउंड्री आपका, ठीक है, और आपको सुंडालैंड जो आपको निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, इन 4 एरिया में भारत में वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, बहुत ही डाइवर्स है, खूबसूरत है, और ये जो स्पीशीज है ये पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती, सिर्फ भारत में आपकी पाई जाती है, इसलिए आपके हॉटस्पॉट है, बट ये आपका थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अभी इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी भी एरिया को अगर हॉटस्पॉट का अगर दर्जा देना है तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी है, आइए यहां पे डिस्कस करते हैं। पहला यहां पे क्या है, अगर किसी को हॉटस्पॉट अगर यहां पे घोषित करना है किसी एरिया को, सो इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 0.5 और लगभग आपका 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। मतलब इसका ये मतलब है आपके जो वेस्कुलर आपके जो प्लांट्स आपके होते, जो आपके नॉर्मल आपके प्लांट्स होते, ठीक है, लगभग अगर 0.5% आपका जो प्लांट अगर आपका वहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में है, अगर वो एंडेमिक है, खतरे में है, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, वो बहुत ही अगर यूनिक है, कहीं नहीं पाया जाता है, तो तब उसको यहाँ पे हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जा सकता है। पहला कंडीशन है, अभी दूसरा भी आपका है। दूसरा ये है, इट हैज लॉस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। मतलब आप समझो इस चीज को, इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई पर्टिकुलर वेजिटेशन मान लो आपका किसी भी एरिया को अगर हॉटस्पॉट अगर आपको बनाना है, अगर 70% अगर उसका वेजिटेशन आपका कहीं और आपको देखने को नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया में नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, और सिर्फ आपको भारत में देखने को मिल रहा है, तो उसको फिर हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन क्या है दोस्तों, फिर आपको बता रहा हूं, पहला ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया मान लो आपके सुंडालैंड की बात करते हैं जो निकोबार का, ठीक है, अगर सुंडालैंड में अगर 1500 स्पीशीज अगर किसी आपका यहाँ पे पौधे की है, ठीक है ना, जो आपका एंडेमिक है, जो बहुत ही यूनिक है, जो कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिसका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं ज्यादा किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही आपका सेंसिटिव है, तो फिर आपका पहला कंडीशन बन गया, हॉटस्पॉट बनाया जा सकता है सुंडालैंड को। दूसरा, अगर जो आपके पौधे जो वेजिटेशन आपको सुंडालैंड में देखने को मिल रहा है, यूनिकली देखने को मिल रहे, वो पूरी दुनिया में 70% में आपको नहीं देखने को मिल रहे, सुंडालैंड में देखने को मिल रहे, तो आपको यहाँ पे इसको हॉटस्पॉट आपका बनाया जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, इसमें आपका यहाँ पे सवाल बन सकता है, ठीक है। एक सीतु के बारे में बता दिया, वापस बताने इसमें कोई जरूरत है नहीं, अच्छे से हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब बात करते दोस्तों, हाँ बताओ सर,
how do they calculate that 70% of vegetation not present in the? तो ये जितने भी if you see these departments, आपके जो departments आपके होते हैं, आपके IUCN आपका होता है, आपका WWF आपका होता है, International United Nations Environmental Program आपका होता है, ये क्यों यहाँ पे बैठे हुए? या चाय पीने तो बैठे नहीं हुए? Oh, that's not my question, sir. Like you said, it has lost 70% of primary it has to lost 70% of primary vegetation. Yes. मतलब it has loss होना है. Loss already हो चुका है. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जो particular species जो आपको मालू एक particular Sunderland आपको देखने को मिला, ठीक है, मालू एक आपका species है जो Sunderland में आपको देखने को मिल रहा है, जो पहले कभी आपको पूरी पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलता था, बट वो आपको बाकी एरिया में आपका जो उसका जो वेजिटेशन है वो आपका खत्म आपका हो गया है. 75 आपका 70% जो उसका वेजिटेशन है वो पूरी दुनिया में खत्म हो गया है, बट वो सुंदरलैंड में देखने को मिल रहा है, यूनिक उसमें आपको देखने को मिल रहा है अभी भी, तो उसको आपका यहाँ पे हॉटस्पॉट उसको बोला जाएगा. अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया इसमें क्या कहने का मतलब है? मतलब मान लो कि आपकी पूरी आपका यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, मान लो कोई एक्स आपका वेजिटेशन है जो पहले हुआ करती थी, बहुत 100% लेवल में हुआ करती थी, ठीक है ना, बट आपको पता है आपका एक्सटिंक्शन कई चीज का आपका होता है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, अगर वो वेजिटेशन 70% पूरा आपका यहाँ पे खत्म, पूरा आपका लॉस आपका हो गया है, पर वो अगर आपको मोस्ट स्पीशीज अगर यूनिकली अगर आपको सुंदरलैंड में देखने को मिल रही है तो ये तो आपको यूनिक आपका हो गया ना, जो पूरी दुनिया में नहीं देखने को मिल रहा वो सुंदरलैंड में देखने को मिल रहा है. सो ये आपको यूनिकनेस आपका बढ़ाता है. हाँ, ओनली नेम्ड व्हेन द वर्ल्ड विल बी लॉसिंग 70%. उसके बाद भी देखो, हॉटस्पॉट तभी बोला जाएगा अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई यूनिकनेस है. यूनिकनेस का क्या मतलब होता है? जो आपको दूसरी जगह नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो दूसरी जगह नहीं देखने को मिल रहा है, जो आपको सुंदरलैंड में देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे सुंदरलैंड का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो ये उसका यूनिकनेस बढ़ा रहा है, तभी तो उसको हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाएगा ना. तो क्यों दिया जाएगा? ये वर्ल्ड लेवल का आपका इवेंट है, ये कोई इंडिया की आपकी बात नहीं हो रही, ये वर्ल्ड लेवल का आपका यहाँ पे हॉटस्पॉट आपकी यहाँ पे की जाती है, ठीक है. इंडिया में चार इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि चारों आपके स्पॉट्स में यूनिकनेस है, जो पूरी दुनिया में नहीं है वो आपको इस एरिया में देखने को मिल रहा है वेजिटेशन, ठीक है. तो ये आपको पता दोस्तों होना चाहिए, ठीक है. अब बात करें दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? क्या आपको यहाँ पे जो सेंचुरी आपका है ये किस चीज का प्रोटेक्शन आपका करती है दोस्त? ये प्रोटेक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ आपका फोना का. किसका करती है? फोना का. फोना मतलब क्या है? आपकी यहाँ पे नॉर्मली आपके जो प्लांट्स नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है. आपके जैसे टाइगर्स आपके हो गए, आपके मान लो आपके जो आप जान लो आपके जो जानवर आपके हो गए. हाँ, एनीवन कोई बोल रहा है क्या? हाँ बोलो. नो सर. नहीं, ठीक है ना. तो सेंचुरी का क्या आपका मतलब होता है? सेंचुरी इज एक्चुअली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर फोना. जैसे आपने कभी सुना होगा कि घड़ियाल सेंचुरी सुना होगा आपने, आपने एलिफेंट का सेंचुरी सुना होगा, मतलब एक पर्टिकुलर फोना के लिए यहाँ पे आपका सेंचुरी बनाया जाता है, ठीक है. यहाँ पे आप यहाँ पे कोई डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे कलेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए आपको यहाँ पे सेंचुरी आपका बनाया जाता है, ठीक है. ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए. और यहाँ पे कोई भी प्राइवेट या फिर कोई भी आपका जो ओनरशिप आपका होता है, अगर आप यहाँ पे बोलोगे, खासकर आपका जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है थोड़ा आपका यहाँ पे आप कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्टेड आपका यहाँ पे रहता, ठीक है. यू कैन सी हियर कि आपका यहाँ पे दे डू नॉट, यहाँ पे देखो कहाँ गया आपका यहाँ पे. हाँ, ठीक है. हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर परमिटेड सो लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द वेलबींग ऑफ द एनिमल्स. मतलब आपको यहाँ पे कोई भी चीज ओन करनी है, आपको यहाँ पे टिम्बर मतलब लकड़ी का अगर आपको यहाँ पे हार्वेस्टिंग करनी है, मतलब आपको यहाँ पे जो भी आपको कटिंग आपको करनी है, मतलब एक सर्टेन दायरे में, ठीक है ना. आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आपके जैसे हो गए, आपका यहाँ पे पता आपको महुआ आपका हो गया, आपके कई आपके बैम्बूज आपके हो गए, ठीक है, आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आपके, अगर आपको यहाँ पे करना है ये सारी चीजें करनी है, बट आपको एक सर्टेन आपको बाउंड्री में करनी है. आप यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल कोर जोन में आप यहाँ पे चले गए, ठीक है, एनिमल्स को तकलीफ हो रही है, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो सेंचुरी है तभी आपकी बनाई जाती है जब आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज आपकी होती है, ठीक है, तभी सेंचुरी घोषित आपकी यहाँ पे की जाती है. आपने हाल ही में सुना होगा कि आपका यहाँ पे स्लेंडर लॉरेस का सेंचुरी आपका बनाया गया तमिलनाडु में, है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं पता दोस्तों? स्लेंडर लॉरेस जो आपका यहाँ पे एक जो आपका नॉक्टर्नल आपका एनिमल है उसका सेंचुरी तमिलनाडु ने क्यों बनाया? क्योंकि वो आपका एंडेंजर्ड में आपका लिस्ट में आपका आ गया था. अगर उसको सेंचुरी नहीं बनाएंगे इस फोना का आपका तो दिक्कत हो सकती है, वो आपका एक्सटिंक्ट आपका हो सकता है, इसलिए आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका यहाँ पे बनाया जाता है. कई आपको यहाँ पे देख रहे हैं. हाँ बोलो. कॉर्बेट नेशनल पार्क भी ना?
कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका वो नेशनल पार्क है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है, बायोस्फीयर अलग है, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब अभी हम पे किसी को बोलते ना दोस्त, ये आपका तभी आपका बनाया जाता है जब कोई पर्टिकुलर स्पीशीज आपका यहाँ पे क्या है, वो एंडेंजर्ड है, खतरे में है, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तब जाके सरकार क्या करती है, एक सेंचुरी बनाती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनका फोना का प्रोटेक्शन करने के लिए आपका सेंचुरी बनाई जाती है। नेशनल पार्क क्या होता है उसका भी हम यहाँ पे समझेंगे आगे जाके, ठीक है। बट कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं, आपको गिर आपको सेंचुरी देखने को मिलता है, ठीक है, लायंस के लिए आपको देखने को मिलता है, वाइल्ड एस सेंचुरी देखने को मिल रहा है, कहां पे दोस्तों, रण ऑफ कच्छ में देखने को मिला है, ठीक है। ये देखो, ये जो वाइल्ड एस सेंचुरी है ना आपका भारत का आपका इकलौता यही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको इसके प्रोटेक्शन के लिए, किसका आपका, आपके जो एस आपके होते हैं ना, इसके प्रोटेक्शन के लिए आपके रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे मरीन सेंचुरी आपको देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में, जामनगर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोस्टल एरिया है, वहां पे आपके मरीन आपके एनिमल्स आपके होते हैं दोस्तों। ये आपका सिमली सेंचुरी कहां पे दोस्तों, ओडिशा में देखने को मिलेगा, एलिफेंट का आपको यहां पे देखने को मिलेगा, कच्छ आपका हो गया है, आपको यहां पे रंपारा सेंचुरी आपको कहां पे देखने को मिलेगा, राजकोट में देखने को मिलेगा। तो जितनी भी आपके जो दोस्तों सेंचुरी है ना, इनको अच्छे से पढ़ लो कि इनका यहां पे क्या मोटिव है, क्यों इनको यहाँ पे रखा गया है, पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है और कौन सी जगह है। जैसे आपका घना आपका जो बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, ये आपको बर्ड सेंचुरी है, पक्षियों के लिए आपका यहाँ पे सेंचुरी बनाया गया है, ये राजस्थान में देखने को मिल रहा है, पचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं, सतपुड़ा रेंज का बेल्ट है आपका पचमढ़ी का, ठीक है, दांडेली सेंचुरी आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ये सारी सेंचुरी को दोस्तों मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका नेशनल पार्क आपका क्या होता है, बहुत ही सिंपल आपका है, सेंचुरी से थोड़ा आपका हटके, ठीक है। सेंचुरी क्या था, एक पर्टिकुलर फोना का यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए सेंचुरी बना दी, अगर नहीं बनाते तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो एंडेंजर्ड में था, ठीक है। नेशनल पार्क आपका क्या है, सिंपल सी बात है, वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए, इनका बेटरमेंट के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच में यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए आपका यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन आपका नहीं किया जा रहा है, कोई सेंचुरी आपकी नहीं बनाने जा रही है, यहाँ पे पूरे वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए आपका नेशनल पार्क आपका बनाया जा रहा है। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया, सेंचुरी आपका क्या है, एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए बनाया जा रहा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, और आपका जो नेशनल पार्क है वो पूरे वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए आपका यहाँ पे पूरा बनाया जाता है, इसमें सारे स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर बोथ फोना एंड फ्लोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फ्लोरा आ गया आपका, ठीक है। सेंचुरी में क्या था दोस्तों, सिर्फ फोना का प्रोटेक्शन होता है, नेशनल पार्क में क्या है, फ्लोरा और फोना, मतलब आपके जो भी आपके पेड़ आपके वेजिटेशन आपका हो गया उसका भी, और साथ ही साथ आपके जो आपके एनिमल्स आपके होते हैं, ठीक है ना, दोनों का प्रोटेक्शन आपका यहाँ पे किया जाता है। बट एक चीज याद रखना दोस्तों कि नेशनल पार्क में कोई भी प्राइवेट ओनरशिप आपका अलाउ नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी जमीन वगैरह आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा बहुत लिमिटेशन था, नेशनल पार्क में तो बिल्कुल भी आपका यहाँ पे नहीं, ठीक है। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स आपका हो गया, आपका कल्टीवेशन फॉरेस्ट्री बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते हो यहाँ पे। आप अगर हंटिंग करोगे तो आपका पोचिंग का केस आपका लग जाएगा। एंड नेशनल पार्क आर एक्चुअली डिवोटेड टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, तो नेशनल पार्क आपका पूरा एक एंटायर इकोसिस्टम के प्रिजर्वेशन के लिए बनाया जाता है, और सेंचुरी आपका एक आपका पर्टिकुलर फोना के प्रोटेक्शन के लिए आपका बनाया जाता है। ये एक टाइनी सा डिफरेंस है बट बहुत मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। कई आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं भारत में, आपको यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में देखने को मिलता है। अच्छा मुझे बताओ पहला नेशनल पार्क कौन सा दोस्तों, जल्दी मुझे बता दो, भारत का पहला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको पहले क्या बोला जाता था, जल्दी बताओ, कांजीरंगस सो नदी के नाम पे, सोचो सोचो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाइली नेशनल पार्क, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ये नाम पता होने चाहिए, ठीक है। आपको जैसे कर्नाटक का बानरघट्टा नेशनल पार्क आपका हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे बेटला नेशनल पार्क झारखंड का, आपका यहाँ पे भीतरकनिका ओडिशा का, बक्सर टाइगर रिजर्व, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में कितना इंपॉर्टेंट हमारा रहता है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर इसमें जुड़ा हुआ आपका। वेस्ट बंगाल का आपको पता होना चाहिए, दच्चीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इकलौता एरिया जिसको आपका यहाँ पे, आपको यहाँ पे कश्मीरी स्टैग देखने को मिलेगा, स्टैग मतलब समझ रहे हो, रॉयल स्टैग मत समझ लेना इसको, ठीक है, यहाँ पे
हाँ स्टैग मतलब आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे डियर आपको देखने को मिलता है, जिसके आपको बहुत ही खूबसूरत आपको सींग देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो गलत स्टैग मत समझना इसको, ठीक है। इकलौता कश्मीर का आपका ही, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का, गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात का, एशियाटिक लाइन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का आपका हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, कोस्टल मरीन इकोसिस्टम भी भैया इकोसिस्टम आपका एक्वाटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। अब टेरेस्ट्रियल में सारे आपके यहाँ पे बांधवगढ़ कान्हा नेशनल पार्क को देखने को मिल रहे हैं, बट एक्वाटिक भी तो जरूरी है, मरीन इकोसिस्टम भी हमारा है, उसमें आपके एनिमल्स भी आपके हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे ये बनाया गया, ठीक है। और आपको इंद्रावती नेशनल पार्क भी आपको छत्तीसगढ़ का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे याद कर लो, नेशनल पार्क में आपको फिर लिख कर दे रहा हूं, इसका एक अलग चैप्टर तो है ही वेजिटेशन वाला, उसमें हम पढ़ेंगे, बट इसको भैया जितना हो सके इसको याद करो, मेमोराइज कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद भी पता है, ठीक है ना। जल्दपरा नेशनल पार्क बंगाल का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड का, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क बड़ा भी फेमस हुआ था, इसका अभी हाल ही में एक आपका मैस्कट यहाँ पे चुना गया था, ठीक है। उस मैस्कट का नाम कोई मुझे बता सकता है, बहुत ही आपका न्यूज में आपका था, ठीक है। चलो याद रखना कि आपका यहाँ पे जो भूर सिंह बारह सिंगा है, देखो मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो आपका स्वैंप डियर है, ठीक है ना, आपका बारह सिंगर इसको बोलते हैं, ठीक है। यही मैस्कट आपका कान्हा नेशनल पार्क वालों ने अपना रखा था, बहुत ही चर्चा में आपका था, ठीक है। काजरंगी नेशनल पार्क आपका असम का, आपका मणिपुर का आपका यहाँ पे हो गया केमू लेमाऊ, तो ये सारे अच्छे से याद कर लो, ये नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए, सवाल आपका यहाँ पे बन सकता है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व आपको क्या है, बहुत ही सिंपल है यार, क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, आपका जो सेंचुरी है वो पर्टिकुलर फोना का आपको प्रोटेक्शन कर रहा है, नेशनल पार्क पूरे इकोसिस्टम का आपका यहाँ पे हैबिटेट बनाने के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, फ्लोरा फोने के लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए आपका बनाया गया है, और ये आपका देखा जाए आपका यहाँ पे पूरा यूनिक एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए आपका यहाँ पे होलिस्टिक बायोस्फीयर आपको बड़े लेवल का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा इकोसिस्टम बहुत बड़े लेवल का प्रोटेक्शन करने के लिए, इसके लिए आपका यहाँ पे बायोस्फीयर आपका रिजर्व आपका बनाया जाता है कि ये आपका अच्छा खासा प्रोटेक्टेड रहे और ह्यूमन का इंटरफेरेंस आपका यहाँ पे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये आपका लैंड चाहे आपका जो कोस्टल है एनवायरनमेंट, ये आपको पूरा इंक्लूड करता है, बहुत ही खूबसूरत आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। पचमढ़ी जैसा आपका यहाँ पे हो गया, अमरकंटक आपका यहाँ पे हो गया, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। और इसका जो दर्जा है दोस्तों, ये यूनेस्को आपका यहाँ पे देता है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो आपका जो प्रोग्राम है, जिसको आपका यहाँ पे मैप भी बोला जाता है, MAB आपको पता होना चाहिए आपका यहाँ पे एक्रोनिम है। इस प्रोग्राम के तहत ही आपका यहाँ पे जो यूनेस्को वाले है, ये अलग अलग आपके देश को यहाँ पे क्या करते हैं, वहां के पर्टिकुलर एरिया को आपका यहाँ पे क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आपको घोषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपका नेशनल गवर्नमेंट है उसका आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका रोल रहता है, बट आपका यूनाइटेड नेशन आपका जहां पे आ गया, यूनेस्को आपका आ गया, इनका ज्यादा आपको रोल देखने को मिलेगा रिगार्डिंग आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 1971 में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका प्रोग्राम इनके द्वारा आपका लॉन्च आपका हुआ था। अब बात करते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही आपका बड़ा रहता है और ये आपका बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो यार, ये आपका पूरा बायो आपका इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन की आपकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको डिफरेंट जोन्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक आपका होता है कोर जोन, एक आपका होता है बफर जोन, और एक आपका होता है ट्रांजिशन जोन। अब ध्यान से देखना कि आपका जो कोर जोन दोस्तों होता है ना, इट इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये अगर मान लो पूरा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना, मान लो पचमढ़ी है, तो जो इसका जो मेन जो इसका जो आपका जो इकोसिस्टम है, जो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं, एक आप कह सकते हो जो बहुत ही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है ना, ये आपको कोर एरिया में देखने को मिलते हैं। ये आपका इनरमोस्ट जोन आपका यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का आपका रहता है, और यहाँ पे आपका अच्छा आपको यहाँ पे इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है फॉर न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, ठीक है। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। इस कोर जोन में आपका यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये स्ट्रिक्टली आपका यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बफर जोन, ठीक है। ये आपका कोर जोन है दोस्तों, ये आपका कोर जोन है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, कोई आपका ह्यूमन आपका यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसके बाहर आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका यहाँ पे आ गया है बफर जोन, ठीक है। ये किलोमीटर्स पे आपका यहाँ पे निर्भर कर रहा है, ठीक है ना, जितना पास होगा कोर होगा, जितना आप यहाँ पे कोर से दूर जाओगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बफर जोन फिर आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, दिस जोन इज एक्चुअली लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी आपका यहाँ पे अलाउड है, कुछ सर्टेन लोग को यहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पजेस बफर जोन में यहाँ पे बुलाया जाता है, बट आपका यहाँ पे लिमिटेड लोग को, सब यहाँ पे मुंह उठा के नहीं जा सकते बफर जोन में भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द आउटर मोस्ट, आपका जो आपका यहाँ पे जो
जोन आपका होता है आपके बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन जोन या फिर मैन्युपुलेशन जोन। ठीक है, तो आपको शब्द से समझ आ गया होगा कि आपका आउटर मोस्ट जोन आपका बायोस्फीयर आपका यहाँ पे रिजर्व का आपका रहता है, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी आपका यहाँ पे परमिटेड है। तो हमने तीन चीज यहाँ पे समझा, कोई भी आपका जो बायोस्फीयर आपका जो रिजर्व होता है उसमें जो इनर मोस्ट आपका जो पार्ट आपका रहता है, जहां एक तरीके से आपको अच्छा फ्लोरा फौना आपको देखने को मिलता है, जिसको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, तो वो आपका यहाँ पे कोर जोन होता है। फिर आपका यहाँ पे होता है आपका बफर जोन, ट्रांजिशन जोन भी इसको आपने ट्रांजिशन बफर जोन बोला जाता है, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी आपका लिमिटेड है फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस। और आपका यहाँ पे होता है ट्रांजिशन जोन या फिर आउटर जोन, जहां पे आपका ह्यूमन एक्टिविटी आपका यहाँ पे परमिटेड आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा फंक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल भैया, आपका लैंडस्केप है, इकोसिस्टम है, जेनेटिक रिसोर्सेस है, फ्लोरा फौना है, इसका कंजर्वेशन करना नंबर वन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियस की बात है, अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो टूरिज्म कैसे आपका यहाँ पे आएगा, साइंटिफिक रिसर्च और वेरियस फ्लोरा फौना, एजुकेशन पर्पस। तो ये कुछ आपके फंक्शन होते हैं आपके यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने के। ठीक है, और नीलगिरी मुझे बताओ, नीलगिरी कहाँ पे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलेगा, केरला तमिलनाडु। भैया नीलगिरी आपको कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, तीनों में आपको देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रेच बहुत बड़ा आपका यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंने आपको बताया था बड़ा ही आपका इसका एरिया रहता है, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत का 1986 में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो बायोस्फीयर रिजर्व आपके कौन कौन से आपके हैं, नीलगिरी की बात हो गई, कौन से स्टेट है बता दी। ठीक है, आपका नंदा देवी आपका नेशनल पार्क जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका है। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, नोखरेक आपको मेघालय में देखने को मिलता है, सुंदरबन कहाँ देखने को मिलता है आपको, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है आपको, मानस आपको कहाँ देखने को मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व, असम में देखने को मिलता है, सिमलीपाल ओडिशा में, तिहंग आपको अरुणाचल में, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत आपकी जगह होती है टूरिज्म के लिए भी। ठीक है, और ये आपका अचनकमार आपका जो अमरकंटक का आपका है, ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, आपका जो एमपी छत्तीसगढ़ था ये पहले एक ही हुआ करता था, आपको तो पता ही होगा। ठीक है ना, वेंकटेश बोलो बोलो सर, रियली दिस होल टेबल इज इंपॉर्टेंट, रियली द होल टेबल इज इंपॉर्टेंट सर, एग्जैक्टली, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर। एक्चुअली व्हाट आई सॉ इन द प्रीवियस क्वेश्चन सर, दे वर आस्किंग ओनली द बिगेस्ट बायोस्फीयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट नेम हैविंग द मोस्ट नेम एंड फेमेबल in the they always ask, see listen, they will always ask which are in current nature, jo current affair mein hai, aapke national park, biosphere reserve, aapke sanctuaries, wo usse aapka sawal banta hai. theek hai, ye bhi yaad rakhna, jo important hai, jo aapke haal hi mein aapke current affair se juda hua hai, wo aapka sawal NDA cities mein aapka ban jata hai, ye aapko dosto pata hona chahiye. aur ye maine sare aapko yahan pe bataye hue sare biosphere reserve total hai hi kitne, theek hai, aaram se isko padho, revision kar lo, iska concept to maine aapko yahan pe bata hi diya, kya dikkat aapko yahan pe aayegi. theek hai na, कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश का, कांचनजुंगा नेशनल आपका यहाँ पे जो पार्क है ये सिक्किम का, ये सारे आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दोस्तों पढ़ लेना. ठीक है, ये थोड़ा आपका जो पिक्चर है थोड़ा ब्लरी हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना. हाँ बोलो खुल के बोलो, क्या सर ये चार्ट वाला सर इंपॉर्टेंट है ना, मैच करने दे सकता है. ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको तीनों में डिफरेंस समझना है, पहले आपको ये समझना है. ठीक है, जैसे नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क जैसे मैंने आपको बताया कि वाइल्ड एनिमल स्पीशीज के हैबिटेट के लिए बनाया जाता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, फॉर द फ्लोरा एंड द फौना. सेंचुरी किसके लिए बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे फोना कंजर्वेशन के लिए आपका बनाया जाता है, जो आपके एंडेंजर्ड आपके रहते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व आपका पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए आपका ये बनाया जाता है. ठीक है, पर्टिकुलर एरिया सबके क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे कैसे आपकी बाउंड्री जैसे आप देख सकते हो, नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज होती है ये आपका जो भी फिक्स आपका होता है ये आपकी सरकार आपकी करती है, जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपका होता है. आप यहाँ पे सेंचुरी की बात करोगे, इनकी बाउंड्रीज आपकी यहाँ पे आप कह सकते हो उतनी फिक्स आपकी नहीं होती है, ये आप एक किस्म से आप कह सकते हो, एक किस्म से आप यहाँ पे इमेजिनरी
या फिर आपको यहाँ पे वर्चुअली आपको बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती है, उतना ज्यादा आपको स्ट्रिक्ट नहीं देखने को मिलेगा जो आपको नेशनल पार्क या आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, टूरिज्म की बात करो, नेशनल आपका यहाँ पे हो गया, सेंचुरी आपका हो गया, परमिसिबल आपका रहता है, आपको पता होना चाहिए। बट कोर एरिया में आप देखोगे बायोस्फीयर में आपको यहाँ पे टूरिज्म आपको यहाँ पे नहीं करवाई आपको जाती है। अब बात करते हैं IUCN लिस्ट की। हमेशा सुनते करंट अफेयर में कि IUCN लिस्ट आपका हो गया है एंडेंजर्ड स्पीशीज, आपका एक्सटिंक्ट स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका फुल फॉर्म क्या दोस्तों, ये है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो नेचर की कंजर्वेशन करने के लिए ये आपका एक इंटरनेशनल यूनियन आपका बनाया गया था आपका 1948 में। ठीक है, ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा ग्लोबल एनवायरमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी कंजर्वेशन आपकी पूरी यहां पे करता है। लार्जेस्ट प्रोफेशनल आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों याद रखना, ये आपका जिसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? ग्लैंड में देखने को मिलेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि IUCN का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है, ये आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। अभी जब हम ये शब्द सुनते हैं रेड लिस्ट, इसका मतलब क्या है? अमित कुमार सिन्हा बोलो बेटा, अभी हमें MCQ भी करना है। हेलो सर। हाँ अमित कुमार सर, इसको सर फिर से रिवर्स कीजिए सर पीछे। ठीक करता हूँ, बिल्कुल करो। सर IUCN कोई मतलब कि कंजर्वेशन है, जो मतलब कि इसका वर्क क्या है उसे? बिल्कुल, IUCN आपका एक ऐसा आपका संस्थान है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका पूरी दुनिया में नेचर की कंजर्वेशन की जिम्मेदारी उठाता है, इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई सॉल्यूशंस निकालता है, एजुकेशन पर्पस भी आपका यहाँ पे लाता है, पूरा होलिस्टिक आपका अप्रोच यहाँ पे रखता है। तो ये इसका फंक्शन होता है वाइल्ड लाइफ को, नेचर को कंजर्व करने के लिए कई मेथड्स अपना यहाँ पे IUCN अपना निकालता है। ठीक है, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये आपका अलग अलग तरीकों से आपका यहाँ पे निकालता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ये जो अपनी जो किताब निकालता है, रेड बुक अपनी निकालता है, लिस्टिंग अपनी करता है, तो अलग अलग प्रकार से आपका करता है। आपने कभी सुना होगा कि ये आपका जो जानवर है ये आपका एक्सटिंक्ट हो गया है, ये स्पीशीज आपका यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको स्पीशीज है आपका वल्नरेबल अभी सिचुएशन में। ये जो टैग दिया जाता है किसी भी आपके एनिमल को या आपके किसी भी प्लांट को, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? आपका IUCN के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जैसे अगर अभी आपका बोला जाता है कभी आपका एक आपका एनिमल है, मान लो कोई आपका शेर आपका, ठीक है, तो उसका टैग दिया गया मान लो आपका यहाँ पे LC। LC का मतलब आपका होता है कि अभी लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, मतलब अभी आपके लंबा आपका यहाँ पे इसका यहाँ पे जिएगा, अच्छा खासा आपका रहेगा, एक्सटेंट की कदार में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे नियर थ्रेटेंड की अगर बात है, ठीक है, अगर किसी एनिमल को आपका NT मतलब नियर थ्रेटेंड का अगर टैग यहाँ पे दे दिया जाता है तो यहाँ पे समझ जाना कि वो आपका यहाँ पे खतरे के कगार में आपका यहाँ पे आ गया है। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। वल्नरेबल सिचुएशन, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, मतलब जितना आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे उतना जो आपका जो रिस्क है आपके एक्सटिंक्शन का किसी भी एनिमल का वो बढ़ता जाएगा। और ये जो आपका जो पूरा जो टैग दिया जाता है दोस्तों ये आपका IUCN के द्वारा आपको दिया जाता है। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए कौन कितना रिस्क में है, कितना उसका यहाँ पे एक्सटिंक्शन का यहाँ पे चांसेस बन सकता है, ये पूरा आपका IUCN आपका पूरा देखभाल आपका करता है, रेड बुक पूरी निकालता है। ठीक है, अब याद रखना जो रेड डेटा बुक आपका होता है ना IUCN अपना निकालता है, इसके पास इस रेड बुक में आप यहां पे देख सकते हो IUCN के इस रेड डेटा बुक में पूरा आपकी दुनिया में जितनी भी अभी तक एज ऑफ नाउ जो स्पीशीज है उसका पूरा डेटा है, पूरा एग्जिस्टेंस के बारे में पता है और वो कितना आपका थ्रेटनिंग सिचुएशन में है, ये रेड डेटा बुक में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो IUCN पूरा आपका यहाँ पे जिम्मेदारी आपके यहाँ पे उठाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? IUCN में किसी को डाउट है? Anyone? तो फिर आगे यहाँ पे बढ़िया। देखो यहाँ पे देखो ना, ये आपके भारत की बात करें, भारत का आपका सवाल बनता है हमेशा कि भारत में आपका हाल ही में एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे टैग जिसको मिल गया है। ठीक है, तो बर्ड्स में कौन कौन सी है, फिश की, अब आपको एक एक करके सारी तो नहीं बताऊंगा, ऑब्वियस की बात है, इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, कि बर्ड में कौन सी है, रेप्टाइल्स में कौन कौन सी है, जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका करंट में है। देखो जो ऑलरेडी हो चुका है ना उसको इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेवकूफी है, जो आपका करंटली जो आपको यहाँ पे जैसे आपका आपको पता होगा स्लेंडर लॉरेस आपका हो गया, ठीक है, एंडेंजर्ड लिस्ट में उसको रखा गया। ठीक है ना, तो ये आपको जो करंट में जो न्यूज में है ना दोस्तों, जो IUCN ने आपका लिस्ट निकाला है उसको बस पढ़ो, वो आपका सवाल आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका यहाँ पे साइट आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये आपका साइट आपका क्या बोले, इसको फुल फॉर्म समझो, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड आपका फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म आपका है। ठीक है, इसका काम ये है दोस्तों, साइट एक आपका एक ऐसा इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, एक ऐसा अग्रीमेंट है जो आपकी सारी सरकारें आपके देश की करती है
आपका यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे ये एम रखा जाता है कि जब भी आपका कोई इंटरनेशनल ट्रेड आपका आपके किसी भी आपके स्पेसिमन का होगा, आपके किसी वाइल्ड एनिमल आपका कोई भी आपका जो वाइल्ड एनिमल होता है उसका स्पेसिमन होता है, उसको कुछ डेटा होता है, ठीक है ना। अब दो कंट्री के बीच में जब आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्पेसिमन का हो रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है ट्रेड आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमें ऐसा भी ट्रेड नहीं करना है कि किसी देश का जो स्पीशीज है वो कंप्लीटली आपका एक्सटेंट हो जाए बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। मान लो आपका इंडिया और आपका नेपाल है, ठीक है, ये किसी स्पेसिमेन को लेके, कोई आपका वाइल्ड एनिमल है उसका स्पेसिमेन है, कोई भी आप यहाँ पे जानवर लो अपने हिसाब से, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों के बीच में आपका ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेपाल बोल रहा है कि मुझे और यहाँ पे चाहिए शेयर, और मुझे यहाँ पे मुझे चाहिए अपना लाइन मुझे चाहिए, ठीक है ना, तो ये भारत यहाँ पे बोलेगा देखो भैया हमने यहाँ पे ट्रीटी साइन की है, साइट वाले ट्रीटी हमने साइन की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो जितना हो सकता होता है ट्रेड करेंगे अपना यहाँ पे एनिमल का, ठीक है, उससे ज्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे किया तो हमारे जो एनिमल है वो एक्सटिंक्ट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपके जो वाइल्ड एनिमल का जो पूरा आपका यहाँ पे एक्सटिंक्शन ना हो, इसके रिगार्डिंग में आपका यहाँ पे ट्रेडिंग में भी ध्यान आपका यहाँ पे दिया जाता है, और इसको आपका साइन आपका 1973 3 मार्च में आपका साइट का आपका यहाँ पे किया गया था, तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए ट्रेडिंग से आपका एनिमल्स का जुड़ा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड आपका फॉर नेचर, इसको WWF बोला जाता है, ये आपका लड़ाई वाला आपका नहीं है, ठीक है ना, ये आपका WWE वाला आपका नहीं है, आपका वर्ल्ड वाइड फंड आपका, ठीक है। क्या इसकी जिम्मेदारी है, ये भी आपका एक बहुत अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका कब आपका फाउंड हुआ था, 29 अप्रैल 1961 में आपका हुआ था 1961 में, और ये आपका एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका चैरिटी वगैरह भी आपको करवाता है, ठीक है, और ये आपका ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए पूरा अपना यहाँ पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इनका पूरी जिम्मेदारी है दोस्तों कि ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है उतना नहीं होना चाहिए एनवायरमेंट में, दोनों को हमें लेके चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनवायरमेंट को ही देखना है और ह्यूमन को इग्नोर करना है, ठीक है, या फिर ह्यूमन को ज्यादा करना है और यहाँ पे एनवायरमेंट को यहाँ पे गोली मार दो, ऐसा नहीं, दोनों को यहाँ पे लेके चलना, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपका यहाँ पे WWF अपना करता है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं दोस्तों, इसको आराम से पढ़ो, ये पूछे जाते हैं हमेशा कि WWF का क्या है, इनका क्या पर्पस है, सारे डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नेशनल बायोडायवर्सिटी आपका अथॉरिटी NBA, ठीक है, ये आपका एक एक्ट के थ्रू आपकी अथॉरिटी आपका बना था, ये आपके नेशनल लेवल का, अभी हमने इंटरनेशनल पढ़ा, अब यहाँ पे नेशनल लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो बायो आपका जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 का है, ये आपका जब 2003 में आपका यहाँ पे फोर्स में आपका आ गया था, इसका सिंपल सा आपका यहाँ पे एजेंडा है कि पूरे देश हमारे भारत में कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आपका यहाँ पे अच्छे से आपका यहाँ पे रखा जाए, जैसे आपका WWF आपका करता है, आपका IUCN आपका कंजर्वेशन की बात करता है, नेशनल लेवल पे आपका यहाँ पे नेशनल आपका जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है ये पूरा करता है, और इनको जो आपका जो ताकत इनको दी गई है ये आपका बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इनको यहाँ पे दिया गया। तो सारे जो डिपार्टमेंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे बन सकते हैं। अभी कार्बन बजट क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है कार्बन बजट, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन बजट, क्या लगता है दोस्तों, किसी चीज की बजट की बात हो रही है, मतलब समझ जाओ बजट मतलब क्या, मतलब सोच समझ के करना, क्या करना, कार्बन का एमिशन, देखो कार्बन का एमिशन तो हो गई, वो नहीं रुकने वाला, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बट कितने लेवल का करना है, अभी हमारा क्या स्थिति है, और एक तरीके से हमें यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमें होना है, तो हमें यहाँ पे जो कार्बन का एमिशन करना है वो हमें थोड़ा हिसाब से करना है, कुछ सर्टेन परसेंटेज के बिलो करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है। तो जितनी भी देशों की जो सरकार होती है वो अपना यहाँ पे एक अपना आप कह सकते हो एक बाउंड्री अपना सेट करती है कि किसी भी इंडस्ट्रीज को या जो भी आपके फैक्ट्रीज या जो भी आपका पोल्यूशन करती कार्बन एमिशन करती है उनको यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ उनको यहाँ पे पैरामीटर दिए जाते हैं कि आपको इस बाउंड्री के तहत आपको यहाँ पे उसके बियॉन्ड आपको एमिशन नहीं करना, ठीक है। इस चीज को कार्बन आपका यहाँ पे एमिशन आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अभी जितने भी दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के आपके जो कन्वेंशन आपके हुए ना क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे मान लो आपका ये वेलिंग कमीशन आपका हो गया है, रामसर कमीशन आपका वेटलैंड का आपका 1971 का जो ईरान में आपका हुआ था, क्यों ये आपका वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए आपका यहाँ पे पूरा कन्वेंशन आपको देखने को मिला था। तो ये सारे से पढ़ो, आपका रामसर का आपका हो गया है,
अभी टाइम थोड़ा कम है, हम इसको यहाँ पे बाद में कर सकते हैं। आपका मॉन्ट्रियल का आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, बेसल कन्वेंशन आपका स्विट्जरलैंड का आपका हो गया, मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इनका यहाँ पे कौन सा कन्वेंशन है, कहाँ पे आपका ये हुआ था और इसका पूरा मतलब क्या है, बहुत ही आसान भाषा में आप यहाँ पे आराम से इसको पढ़ सकते हो। कोई डाउट अगर आपको होगा आप आराम से मुझसे पूछ भी सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, ठीक है। एजेंडा 21, ठीक है, 21st सेंचुरी में हमें यहाँ पे अर्थ डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, अर्थ समिट की आपकी यहाँ पे बात की जा रही थी कि हमें यहाँ पे क्या करना है 21st सेंचुरी में, हमें यहाँ पे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें यहाँ पे अर्थ का यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, तभी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये आपको ब्राजील 1992 में देखने को मिला, पेरिस अग्रीमेंट 2016 का ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आपका हुआ था, जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का यहां पे जो आपका एमिशन आपका हो रहा है उसके रोकने के लिए आपको यहां पे पूरा आपको समिट आपको देखने को मिला, ठीक है। कार्टिजना प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट कार्टिजना प्रोटोकॉल पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक ऐसा अग्रीमेंट है दोस्तों जहां पे आपके जो आपके बायो एनिमल्स आपके होते हैं, जिसको आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, LMO जिसको बोला जाता है, इनका बड़ी ही आपका यहां पे बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में इनका यहां पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। आपके जैसे कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं ना, जैसे आपका इंसुलिन आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, आपके अलग आपको यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपका हाईली प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर इंडिया और अगर यूएसए में अगर ट्रांसपोर्टेशन का करना है तो बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड फॉर्म में करना पड़ता है, ये पूरा दोनों देश आपका यहाँ पे ध्यान रखेगी। और ये ट्रीटी आपका ये कौन सा आपका है, ये आपके यहाँ पे कार्टिजना प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के तहत दो कंट्री के बीच में आपका यहाँ पे जब ये इन आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं, बायो ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं, इनको बड़ी प्रोटेक्टेड फॉर्म में इनको भेजा जाता है। अगर नहीं भेजा जाएगा तो ये आपका प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे ब्रीच आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये इंडिया में कौन से आपके यहाँ पे है, ठीक है, कौन कौन से समिट्स आपके, आराम से इसको पढ़ो दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से आपको दिया हुआ, ठीक है, ये कौन कौन से आपके बिल्स है, जैसे आपका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको 1972 का आपका हो गया है, कौन कौन से आपके यहाँ पे एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट आपका हो गया है, पूरा साल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसी को आपको यहाँ पे पढ़ना है, ज्यादा आपको यहाँ पे माता आपको यहाँ पे क्या करना फोड़ना आपको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपके एनवायरमेंट से जुड़े हुए, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ो यार, क्योंकि ये आपका समझाने वाली चीज नहीं है, ये आपका जो समझाने वाला था वो मैंने आपको बता दिया है, ये आपका सारा दोस्तों फैक्चुअल वाला आपका इंफॉर्मेशन है, ये आपको खुद से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बायोसिस्टम इकोसिस्टम पूरा हमने यहाँ पे पढ़ा, बायोम्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और एनवायरमेंटल के हम सॉरी आपको जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आपके जो होते हैं हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा, एक्सितु इनसितु पढ़ा हमने, वाइल्ड लाइफ हमने सेंचुरीज पढ़ी, नेशनल पार्क्स पढ़े, हमने डिटेल में सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे की है। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे एमसीक्यूज में, जल्दी से इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले, ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा दोस्तों, बताओ चूज द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट वन इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलो बहुत बढ़िया, अचानक मर आपको जो अमरकंटक है ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में आपको देखने को मिलता है और ये आपका राजस्थान में नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया, मुझे जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, अच्छे से देखो और इसको साउथ से नॉर्थ ले जाओ, दक्षिण से उत्तर ले जाओ, बताओ, बहुत इजी है। पहले तो मैं आपको एग्जांपल आपको हिंट दे रहा हूँ, पेरियार तो आपका साउथ में ही पड़ता है, आपका सही है, देखो आपका यहाँ पे क्या है, पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेरियार आपको देखने को मिलेगा केरल में, फिर आपको यहाँ पे काना मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, सरसिका कहाँ देखने को मिलता है आपको, राजस्थान पूरा देखो मैप में, ये है आपका पेरियार, ठीक है, ये है आपका कान्हा नेशनल पार्क, और ये आपका क्या आपका सरसिका, ये आपका सरसिका, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा था आपका नेक्स्ट वाला, दक्षिणम आपका क्या, आपका कश्मीर आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका साउथ से लेकर नॉर्थ आपका यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट आपका सवाल, विच वन ऑफ द फॉरेन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया टू इट्स टोटल लैंड एरिया, पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो मेरे दोस्तों, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मेरे बच्चे क्यों करते हो बेटा, परसेंटेज पूछा है, ज्यादा नहीं पूछा है, मतलब पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, परसेंटेज पूछा है, मतलब ये आपका मिजोरम है, मिजोरम का आपका जो एरिया है बहुत ही कम है, पर उसमें जो आप देखोगे ना उसका मैक्सिमम आपका जो एरिया है वो फॉरेस्ट से ही घिरा हुआ है, पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे नेक्स्ट,
जल्दी से इसको लगाओ फेंटा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सोचो 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 क्या होगा क्या होगा दोस्त मेरे. मिक्स्ड बोला है मतलब ये आपका, ये आपका कल्चरल हेरिटेज भी है आपका और ये आपका क्या है मतलब होता है ये आपका एक ऐसे एरियाज होते हैं जो आपका एक नेचुरल हेरिटेज भी है ठीक है और ये आपका कल्चरल हेरिटेज भी आपका है ठीक है. मतलब यहाँ पे आपका बहुत अच्छा आपको वेजिटेशन अच्छा देखने को मिल रहा है अच्छा फ्लोरा फोना भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको यहाँ का कल्चर भी आपको बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा है कई आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. तो ये मिक्स आपका है और ये कहाँ पे देखने को मिला भारत में पहला आपको यहाँ पे कांचनजंगा आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट आपका द मरीन नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलता है मुझे जल्दी से बताओ दोस्तों. गल्फ ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ कच्छ क्या बात है गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे आपको मरीन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है और ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये पूरा नेशनल पार्क आपका बनाया गया. चलो बहुत बढ़िया अगला आपका सवाल जल्दी बताओ जल्दी जल्दी. राजा जी बांदीपुर करेक्टली करेक्टली. कौन सा आपका मैच नहीं है ये आपका पिन वैली है क्योंकि पिन वैली आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्त ये आपको हिमाचल में देखने को मिलता है ठीक है. चलो आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर चमोली. चमोली कहाँ पे है उत्तराखंड. नंदा देवी कहाँ पे है बताओ बताओ ए बी सी डी क्या बताओ. चलो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क. नंदा देवी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा ये आपको. चमोली क्या है चमोली एक आपका जिला है कहाँ पे उत्तराखंड में और यहीं पे आपको नंदा देवी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट सवाल. अरे तो बहुत इजी है अगर एक करिए तो मजा आ जाएगा. नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटा अच्छे से पढ़ो. बिल्कुल सही क्योंकि दर्रा नेशनल पार्क आपका राजस्थान में आपको देखने को मिलता है ठीक है. चलो आगे यहाँ पे चलो बहुत ये आपका सवाल पूछा गया बताओ. अ पर्सन हैड विजिटेड अ रीजन इन इंडिया एंड फाउंड ट्रीज सच एज खेर नीम खेजरी पलाश. पलाश आपको पता है आपके ये होली में जो कलर होते हैं ना पलाश आपको इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ना इसी से आपके गुलाल बनते हैं ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज शी और ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव विजिटेड. सोचो सोचो क्या लगता है इसका जो आंसर है ये आपका गारो हिल्स है. क्यों क्योंकि ये आपका जो एरिया सुंदरबन डेल्टा में आपको क्या देखने को मिलेगा वो आपका मैंग्रोव वाला आपका एरिया होगा वो कोस्टल आपका एरिया होगा. आपका जो खेर आपका नीम का पेड़ आपका हो गया है आपका पलाश का पेड़ आपका हो गया है ये आपको गारो हिल्स में देखने को मिलता है. और गारो हिल्स कहाँ पे बताओ. गारो हिल्स कहाँ देखने को मिलते हैं. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट साइड में. नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है ठीक है. गारो हिल्स आपके हो गए वहां पे आपको ये सारे आपको अच्छे आपको पेड़ वेजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं ठीक है. नेक्स्ट आपका सवाल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. बहुत ही क्या बात है यार. रणथंबोर आपका अगर गुजरात में नहीं तो कहाँ पे है. राजस्थान में ठीक है. ये है आपका प्यारा सा रणथंबोर नेशनल पार्क ठीक है. ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए मैं यहाँ पे गया भी हूँ. चलो नेक्स्ट हमें बात करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. चलो ठीक है. इट वॉज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973. ये सेकंड स्टेटमेंट है ठीक है. थोड़ा नीचे हो गया इग्नोर करो. तीसरा इनिशियली इट वॉज नेम्ड एज हेली नेशनल पार्क. बताओ. चलो यहाँ पे देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है सब है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ओल्डेस्ट है. बिल्कुल सही. ये आपका पहला आपका नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर में आपका आया था 1973 में. बिल्कुल सही. और तीसरा इसका जो आपका जो पुराना जो इसका नाम था ये आपका हेली नेशनल पार्क हुआ करता था. ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए ठीक है. नेक्स्ट आपका सवाल. इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. पहला स्टेटमेंट है. दूसरा species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. common sense लगाओ.
कॉमन सेंस लगाओ, याद रखना सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको इक्वेटर में ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा फ्लोरा फोना का, और जैसे आप पोलर रीजन में जाओगे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, उतना नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उस आपके एटमोसफेयर में रहना बहुत ही मुश्किल आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात, आपका सवाल यहाँ पे ये रहा, बताओ क्या है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग forms the evil quadrate for the biological diversity loses, बिल्कुल सही, ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव, हमने डिटेल में इसको यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये आपका लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है, इसी के वजह से आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में आपको यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, जल्दी बताओ। मतलब कि ह्यूमंस है तो क्या कर रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनके नेचुरल एरिया से क्या कर रहे हैं, निकाल के गार्डन्स में ला रहे हैं, जू में ला रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सही जो आंसर है ये आपका 1, 2 and 4, ठीक है। हैबिटेट रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं आपका, ये तो आपका ऐसे ही आपका यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल बताओ, बहुत इजी आपका है, ये लास्ट है आपका, पर भाई इसके बाद कौन सा क्लास है आपका, इसके बाद कौन सी क्लास है, मैथ्स की, इंग्लिश। चलो बताओ क्या है इसका सवाल और क्या है इसका जवाब, बताओ। मोस्ट डिसेडिस फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, नंबर वन। नंबर टू, टीक इज वन ऑफ द मेन स्पीशीज ऑफ मोस्ट डिसेडिस फॉरेस्ट इन इंडिया, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ, आप बोला सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, सर ये तो आज हुआ ही नहीं, सी लगा देते हैं, चलो अब यहाँ पे देखते हैं बोथ वन एंड टू, ठीक है। यहाँ पे कई लोग का सही तुक्का लग गया है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका जो मॉइस्ट, आपका जो डिसिडियस आपका फॉरेस्ट होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे रेनफॉल के हिसाब से पूरा आपका बनाया जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल आपका मॉइस्ट आपका हो गया, थॉर्नी फॉरेस्ट आपके हो गए, ये रेनफॉल पे डिपेंड करता है। तो ऐसा एरिया दोस्तों जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की आपकी बारिश होती है, वहां पे आपको मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपको नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये आपको देखो, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेगा, खासकर जो आपके हिमालय के आपके जो फुटहिल्स है वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों आपके सही है। तो गाइस टाइम हो गया है 7:07, और यहाँ पे दूसरे फैकल्टी यहाँ पे बोली कि नहीं तो भैया टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ भैया नेक्स्ट सेशन में, कल हमारा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपको बताना पसंद करूंगा, मैप लाओ, एटलस लाओ, और यहाँ पे प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना कम है आपका दोस्तों, ठीक है। मिलता आपको नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद सर। कोई भी डाउट अगर हो दोस्तों आप यहाँ पे डैशबोर्ड में पूछ सकते हो बिंदास, ठीक है ना, बाय गाइस। बेटा उसमें डाउट पूछने का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपको डिस्कशन में सर, डिस्कशन में बिल्कुल पूछो, आराम से पूछो, ठीक है, चलो गाइस।